हरे कृष्णा आप सभी का स्वागत है आज हम लोग जो है अध्याय शुरू करने वाले हैं तो ये अध्याय का पहला श्लोक है तो तुरंत ही जो है मंगलाचरण कर लेते हैं ज्ञान शलाकाय चक्ष मिलित तस्म श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य वैन विष्णु मिस्तापे ने कम स्वयं रूप व कदम स्व पदांत नमो मिश्र बदाया कृष्ण प्रस्ताय बुद्ध ले भक्ति वर्दाम स्वामी ने तीनाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिने निर्विशेष सश्रुन्यवारी पाश्चात देश तारिने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदादर श्रीवासादी गौर भक्तविंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तो अभी जो है हम लोग जो है वो ज्ञान वाले सेक्शन में है और इस वाले सेक्शन में जो है भगवान ने जो है वो बहुत बहुत अच्छी तरह से जो है स्थापित किया हुआ है 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 कि कैसे जो है ज्ञान भक्ति में परिवर्तित होता है। और पंद्रहवा अध्यायवा अध्याय था उसमें भगवान ने जो है छह आइटम्स के बारे में बताया हुआ है पुरुष प्रकृति ज्ञान ज्ञेय क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और उसी के आधार पर अब वो जो है बता रहे है कि कैसे जो है आ, हमें जो है आ, भक्ति के माध्यम से एक आ, एक अच्छी समझ हो सकती है और चौदवे अध्याय में भी जो है थोड़ा और विस्तार में बताया हुआ है भगवान ने थोड़ा एनालिसिस करके कि आ, कैसे जो है अगर कोई समझ लेता है इसको तो फिर वो जो है तीन गुणों से के ऊपर भी जा सकता है अगर जो है किसी ने भक्ति का मार्ग या भक्ति का आश्रय जो है लिया हुआ है और ये जो भक्ति है ये भक्ति का ही परिवर्तन जो है ये होता है कि हम भगवान को समझ सकते हैं और हम भगवान को इस तरह से समझ सकते हैं कि ये सारे भ्रमण का ही आधार है और चौदव अध्याय में उन्होंने जहां पे समाप्त किया वहां से जो वहा उन्होंने बताया हुआ था कि भगवान जो है वो भ्रमण से भी श्रेष्ठ है और कृष्णा और विस्तार करते हैं इस विषय पर जो है और वो बताते हैं कि कैसे जो है भगवान ही जो है आ, असली सच्चाई या वास्तविकता है और भगवान जो है वो कौन है पुरुषोत्तम है पुरुषों में भी उत्तम है और इसलिए जो है इस अध्याय का नाम भी जो है पुरुषोत्तम योग बताया हुआ है अः अः वैसे तो प्रभुपाद ने इसको जो है इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन ने इस तरह से इसका जो है ट्रांसलेशन uh, किया हुआ है तो ये जो पंद्रहवा अध्याय है इसमें जो है यही बताया जाएगा कि कैसे जो है एक भौतिक दुनिया से हम लोग जो है uh, आध्यात्मिक दुनिया की तरफ मुड़ सकते हैं और uh, ए दो उसके लिए भगवान ने दो मार्ग दिए हुए हैं एक है अनासक्त होकर और एक है शरणागत होकर तो आ, हमें जो है अगर मुक्ति चाहिए तो बहुत सारी चीजों से हमें अनासक्त होना पड़ेगा तो आ, इस तरह से जो है भगवान ने जो है आ, इस अध्याय में जो है कैसे आसक्ति को काटा जा सकता है इस भौतिक दुनिया में वो धीरे धीरे बताया हुआ है और भगवान जो है इस संसार को जो है तुलना करते हैं एक वटवृक्ष की तरह एक बड़े वटवृक्ष पेड़ या अश्वत्था वृक्ष जिसको कहते हैं उससे तुलना की हुई है और अः जो अनासक्ति है ये उसकी आरी है जिसके माध्यम से जो है हम इस वटवृक्ष को काट सकते हैं और फिर जो है अभी भगवान पुरुषोत्तम योग का अभी वर्णन करने वाले हैं तो कोई सोच सकता है कि अच्छा इस अध्याय का जो है महत्व क्या है तो आ, अच्छा पिछले अध्याय में बोला हुआ है कि भक्ति योग के बारे में भक्ति योग का काफी महत्व दिया है तो किसी का प्रश्न ये हो सकता है कि अच्छा फिर अगर सब कुछ ही भक्ति योग है तो वेदों का क्या तो ये अध्याय वेदों का भी महत्व समझा रहा है और वेदों का एक्चुअली रियल उद्देश्य यही है कि हमें भगवान को वेदों के माध्यम से समझ सकते हैं हम लोग तो आइए जरा इस अध्याय पे जाते हैं देखते हैं श्री भगवान उवाच ऊर्धमूलम एक सेकेंड ऊर्धमूलम अध शाखम अश्वत्थम प्रहुर अव्ययम छंदम छंदम यस्य पर पर्णानी यस्तम वेद वेद। भगवान ने कहा, कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़े तो ऊपर की ओर और, और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है तो आप देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि भग भगवान वाच यानी भगवान का ही एक्चुअली जो है ऊर्ध् मूलम अध शाखम ऊर्ध्वूलम ऊर्ध्व मतलब क्या जो ऊपर की ओर है है ना एंड अः ऊर्ध् मूलम अध शाखा अधाखा नीचे की ओर है है ना और अश्वत्थान प्रहुर अव्ययम अश्वत्थम ये मतलब क्या ये जो अः अश्वत्थ का वृक्ष है और प्राहु अव्ययम प्राहु प्रहु ये जो वृक्ष है वो क्या है वो शाश्वत है ये इसका कभी नाश नहीं हो सकता है है ना और फिर छंदाम से यणानी मतलब क्या दे परणानी मतलब क्या उसके जो पत्ते है उसको पर कहते हैं है ना? और ये जो इसके जो पत्ते है वो क्या है छंद हम लोग जो संस्कृत में या हिंदी में बोले ना ये छंद है मीटर है ये इसके क्या है वेद है तो अः छंदी तो ये वेदिक जो है क्या है वो स्तोत्र है यम वेद तो जो कोई भी इन वेदों को जानता है इस वेद को जानता है या इस वृक्ष को जानता है बोलते हैं ना कि पूर्णतया इस वृक्ष को जानता है तो वो क्या है वेदों का ज्ञाता है तो देखिए बहुत स्पष्ट रूप से भगवान जो है कह रहे हैं कि ये जो पत्ते हैं ये क्या है वैदिक छंद है या वैदिक स्तोत्र है और सिर्फ पत्तों को जानना ही केवल पर्याप्त नहीं है लेकिन जो है सिर्फ वैदिक स्तोत्रों को जो कोई जानता है वो वेदवित नहीं बन जाता है वेदवित्त बनने के लिए क्या जानना जरूरी है पूरे वृक्ष को जानना बहुत जरूरी है अब देखिए दूसरे अध्याय में भी भगवान ने अः त्रायगुण्य विषया वेदा ना बताया हुआ है अः त्रैगुण्य तो अर्जुन को कह रहे हैं कि तीन गुणों से आप ऊपर चले जाओ है ना परे चले जाओ और छठे अध्याय में भी भगवान ने बोले शब्द ब्रह्मण अति वर्तते तो जब ये जितने भी जो है ज्ञानी जो है वो जो है अः योनि दर योनी आ, या आ, एक जन्म से दूसरे जन्म भी जो है उनकी जो यात्रा है जब बहुत ही बोलते ना कि परफेक्शन के एकदम निकट आती है तो फिर जो है वो तुरंत ही जो है आकर्षित होते हैं आध्यात्मिक की तरफ और फिर जो है वो कर्मकांड से भी ऊपर जाते हैं मतलब क्या कि जो कर्म कर्म का फल जो है इन जिस जिसकी रेंज है तो वो जो है इसके बारे में भी वेदों में बताया गया है तो जो कोई भी वेदों को जानता है और जो वेदों को जानता है उसको वेद वित्त कहते हैं ओके और उसको जो है जानना चाहिए कि केवल जो है आ, वेदविद सिर्फ वेदिक स्तोत्र ही नहीं जानता है उसे जो है वेदविद मतलब क्या जो सिर्फ पत्तों को जान है नहीं उसको पत्तों को पत्तियों को वेदिक स्तोत्र नहीं कहा गया है लेकिन उसको जो है पूरे पेड़ को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए पत्ते तो सिर्फ एक ही हिस्सा है उस पेड़ का है ना लेकिन पत्तों के साथ दूसरे भी जो है अंग है पेड़ के वो भी जानना बहुत जरूरी है जैसे टहनिया है या जो है और इस पेड़ को समझने के लिए इसका स्वभाव समझने के लिए या इसका उद्देश्य समझने के लिए कह रहे कि जो कोई इस तरह से Uh, जो है इस पेड़ को समझता है वही वास्तव में जो है अः uh, क्या कहते हैं का ज्ञाता है तो इसलिए जो है यहाँ पे जो है ये जो पेड़ है ये एक्चुअली एक दृष्टांत दिया गया हुआ है है ना अ uh, uh, ये जो पेड़ है ये पेड़ ये भौतिक संसार के बारे में बताया गया हुआ है मतलब ये क्या है ये पेड़ जो है इसकी तुलना जो है भौतिक भौतिक संसार संसार से की गई हुई है अब जब हम के बारे में बता रहे तो हम आत्मा के भी बारे में बताते हैं उसके अस्तित्व के बारे में बता रहे हम जड़ पदार्थ के बारे में बता रहे जड़ पदार्थ भी जो है वो हमेशा जो है अः उसका अस्तित्व रहता है लेकिन जड़ पदार्थ को जो है उसके अपने खुद के अस्तित्व के बारे में नहीं पता होता है तो जब हम आ, संसार इस भौतिक संसार के बारे में बता रहे हैं, भौतिक अस्तित्व के बारे में बता रहे हैं तो इसके अंदर आत्मा के अस्तित्व के बारे में भी बताते हैं जो इस जड़ पदार्थ में भी मौजूद है तो ये जो पेड़ है ये हमें उदाहरण दे रहा है कि ये जो जड़ पदार्थ का अस्तित्व है अः उसका और इसका अस्तित्व के बारे में बताएंगे आत्मा के अस्तित्व के बारे में बताएंगे और फिर जो आस पास का जितना भी जड़ पदार्थ है उसके बारे में भी भगवान बता रहे हैं तो ये जो पेड़ है या ये जो वृक्ष है ये वृक्ष जो है ये भौतिक संसार का प्रतीक है मतलब कैसे कि अः यहाँ पे जो है या इसका बोलते प्रतिबिंब है उसको बोलते हैं ठीक है थीके? तो कि ये जो पेड़ है अगर मान लो आपने कोई एक पेड़ देखा हुआ है जो एक नदी के पास है तो पेड़ तो अपने आप में सीधा है लेकिन उसका जो प्रतिबिंब है उसका जो रिफ्लेक्शन है आपको कैसे प्रतीत होगा कि उसकी सारी टहनिया नीचे की तरफ है और जो उसका जो मेन पार्ट है वो ऊपर या उसकी जितनी जड़े है वो ऊपर की तरफ जा रही है तो ये भौतिक जगत भी इन ये भौतिक जगत में भी जो है कह रहे हैं कि कृष्णा जो है वो केंद्र में नहीं है अभी यहाँ पे क्या हो गया है कि आत्मा ने अपने आप को केंद्र बिंदु बनाया हुआ है अभी हम कुछ लोगों में चर्चा करेंगे इसका और आचार्यों ने भी यही कहा हुआ है कि हम जो है इस वृक्ष को जो है उल्टा देखें क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब है वो भौतिक जगत में गिर रहा है है ना क्योंकि अगर आध्यात्मिक जगत में अगर प्रेम है तो यहाँ पे क्या है काम वासना है है ना वहां पे अगर अहंकार है तो सॉरी यहाँ पे अगर अहंकार है तो वहां पे क्या है विनम्रता है तो इसलिए वो ऑपोजिट है सब कुछ उल्टा चल रहा है तो जैसे जैसे हम इस भौतिक अस्तित्व को जानते जाने ये कि भाई ये तो जो है ये ये इसका नाश नहीं हो सकता है या ये शाश्वत है और ये जो है कुछ समय के लिए जो है प्रकट होगा कुछ समय के लिए लुप्त तो हो जाएगा तो लेकिन जो जड़ पदार्थ है जो जड़ है जो जड़ पदार्थ है वो भी जो है कभी कभी मौजूद होगा कभी कभी जो है वो नहीं मौजूद होगा लेकिन ये जो पूरा भौतिक अस्तित्व है वो क्या है अव्यय है इसका कभी नाश नहीं हो सकता है और इसलिए जो है ये अश्वत्थ जो शब्द है यहाँ पे अश्वत्थ वृक्ष ये बताया हुआ है इसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं कि अश्वत्था मतलब जो है जो शाश्वत नहीं अश्व जिसका कोई शाश्वतता नहीं है या भौतिक अस्तित्व तो बहुत ही शाश्वत है लेकिन हम जो है वो अः आकर्षित नहीं है लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें या बहुत सारे ऐसे रूप है जिसके प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं और बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें भी होती है लेकिन वो चीजें भी सुंदर मतलब वो चीजें भी शाश्वत नहीं होती परमानेंट नहीं होती वो भी टेम्पररी होती है और क्योंकि वो टेम्पररी होती है इसलिए फिर वो हमें ज्यादा देर तक आनंद नहीं दे सकती है जैसे कुछ रिश्ते हैं या कोई चीज है या कोई वस्तु है इस तरह से और जो रिश्ते हैं दूसरे लोगों के साथ या दूसरे लोगों के बीच में भी जो है ये सारे जो है अः भौतिक है और जो है इसलिए जो है हम लोग जो है ज्यादा करके ना बाहरी चीजों से बहुत ही आकर्षित हो जाते हैं लेकिन वो चीजें जो है वो प्रकट होती है और वो अप्रकट भी हो जाती है और वो जो है ज्यादा देर तक वो टिकती नहीं है और का एक और भी अर्थ है अश्व अश्व यानी घोड़ा और था यानी ये घोड़े को एक आदत है कुछ तो है ना अः ये घोड़े को आदत है तीन जो है पैर पे खड़े होने की तो इसी तरह जो है ये जो भौतिक जगत है इसको एक पाद विभूति कहते हैं है ना तो त्रिपाद मतलब क्या त्रिपाद विभूति जो है वो आध्यात्मिक जगत में है और यहाँ पे जो है वो एक पाद विभूति है और ये जो है एक पाद विभूति मतलब क्या कि ये एक चौथाई भाग है पूरे सृष्टि का ये भौतिक जगत भगवान ने जो बनाया हुआ है तो उसमें से भगवान ने जो कुछ भी बनाया हुआ तो इसका एक चौथाई भाग क्या है ये भौतिक जगत है और तीन चौथाई भाग कहाँ पे है वो आध्यात्मिक जगत में है इसलिए जो है सबसे ज्यादा हिस्सा तीन चौथाई जो विभाग है वो कहाँ पर है वो आध्यात्मिक जगत में है और तो इसलिए कह रहे हैं कि सी यस्य सी यस्तुम वेद सविध तो कृष्णा जो है यहाँ पे एक कहते हैं ना उदाहरण या दृष्टांत दे रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे सारी चीजें जो है क्या है ये उलट पुलट है और प्रभुपाद ने भी अपने तात्पर्य में बताया हुआ है कि जो कोई भी जो है बहुत ही व्यस्त है कर्मकांड चीजों में तो फिर जो है उसके लिए जो है ये जो अश्वत्थ वृक्ष है उसका कोई अंत नहीं है क्योंकि जितने भी फल है वो क्या है वो हमारे कर्मों के फल है जो जो जीवात्माएं ने किए हुए हैं जैसे हम लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब जो है ये हमारे फल है और हम देखते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है जब सही जगह पे लगाएंगे तो ही उसका लाभ होगा तो प्रभुपाद ने जो है बताया हुआ है कि क्यों कोई धर्म अर्थ काम मोक्ष में लिप्त रहता है, है क्योंकि उसके पास इच्छा नाम की एक चीज होती है इच्छा जो है ये जो है अः इच्छा जो है वो आ, सारी भौतिक चीजों में जो है आ, हमारी आ, लिप्त रहती है और इच्छा के कारण ही जो है चीजें जो है यहाँ पे जो है इस भौतिक जगत में स्थित होती है और क्योंकि हमें जो है ये इच्छा है कि हमें जो है अपने आप से ही जो है आनंद लेना है या जो है Uh, स्वतंत्र होकर ही आनंद लेना है भगवान के साथ रहकर आनंद नहीं लेना है इसलिए हम लोग जो है इस भौतिक संसार में फेंके गए हैं तो देखिए एक जो प्रतिबिंब होता है वो तो हमें पता है कि शाश्वत नहीं होता है टेम्पररी होता है है ना कुछ देर के लिए वो दिखाता है और कुछ देर के लिए फिर वो बाद में वो नहीं भी दिखता है लेकिन उसका जो मूल है जहा से वो आ रहा है और जहां से उसका प्रतिबिंब जो है वो जो है वो दिख रहा है तो वो जो है वो शाश्वत है वो टेम्पररी नहीं है जैसे एक पेड़ है तो पेड़ की जो प्रतिबिंब है उसका रिफ्लेक्शन अगर नदी में दिखता है तो पेड़ तो शाश्वत है परमानेंट दिखता है लेकिन उसका जो प्रतिबिंब है वो कभी दिखाई देगा कभी नहीं भी दिखाई देगा जैसे अगर कोई स्विमिंग कर रहा है तो वो बिंब प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा जब स्थिर होगा पानी तब दिखाई देने वाला है तो इसलिए जो है ये जो भौतिक प्रतिबिंब है जो असली पेड़ से जो दिखाई दे रहा है उसका तो ये जो है ये भौतिक प्रतिबिंब को हमें काटना है तो आ, कह रहे कि जब जो है व्यक्ति वेदों को जानता है और जो है उसको पता है कि कैसे मुझे आसक्ति को काटना है इस भौतिक संसार से तो अगर किसी को ये मार्ग पता है कि कैसे इन आसक्तियों को काटना है तो कह रहे हैं कि ये जो है वेदों का ज्ञाता है वो वेदविद व्यक्ति है और जो कोई भी व्यक्ति जो है आकर्षित है इस विधि विधानों से अः वेदों की विधि विधानों से और आ जो है क्योंकि ये जो यहाँ पे इसका जो दृष्टान दिया हो गया थे ये पत्तियां है तो अगर कोई पत्तियों से जो है ना बहुत हरी हरी पत्तियों से जो आकर्षित है लेकिन अगर किसी को वेदों का ही महत्व नहीं पता है वेदों का उद्देश्य ही नहीं पता है तो फिर कोई फायदा नहीं है लेकिन हमें पता है कि वेदों का जो उद्देश्य यही है कि वो हम भगवान को वेदों के माध्यम से जान सकते हैं और जब हम भगवान को जानेंगे मतलब क्या कि हम जो है वो पूर्णतया वो जो प्रतिबिंब है या जो पेड़ है उसको कंप्लीटली जो है वो काट सकते हैं और हम रियल पेड़ की तरफ जा सकते है, जो है आध्यात्मिक जगत तो अगर हम देखेंगे इस प्रतिबिंब को अः एक जो है पेड़ जो है उल्टा है मतलब क्या उसकी जितनी भी टहनिया है नीचे की तरफ है और उसकी जड़ जो ऊपर की तरफ जा रही है और इच्छा जो है जैसे मान लो कि एक पेड़ ने अपना प्रतिबिंब जो है वो डाला हुआ है पानी में है ना तो इस तरह से जो है एक व्यक्ति जो है सही पेड़ को जानकर जो है पता चलता है कि मैं यहाँ पे उलझ गया हूं मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजों से आसक्त हूँ तो मैं जो है छुटकारा तभी पा सकता हूँ जब जो है मैं एक दिव्य इच्छा उत्पन्न करूंगा कि मुझे जो है आध्यात्मिक जगत में पहुंचकर भगवान की सेवा करनी है तब जो है ये भौतिक इच्छा जब हम बोलते ना कि उसका परिवर्तित करेंगे आध्यात्मिक इच्छा में और जो है जो कोई भी वेदों को पढ़कर जो है उस बोलते ना इच्छा को काटता है या उस आसक्ति को काटता है तो जो है वो उस भौतिक पेड़ को ये प्रतिबिंब को काटकर वो तो आध्यात्मिक जगत में जा सकता है इस तरह से जो है ये जो है पहला श्लोक जो है इसकी व्याख्या की गई हुई है आइए हम दूसरे श्लोक पे जाते हैं मैं आशा कर रही हूं कि आप सभी जो है आप लोग जो है वो आ, इसके तात्पर्य पढ़ रहे हो राइट क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है मैं अगर कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं कुछ अलग एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ जो कुछ भी प्रभुपात का तात्पर्य उसी में से मैंने नोट्स निकाले हुए है बाकी कुछ अलग सा मैंने कुछ भी नहीं निकाला हुआ है जो तात्पर्य है मैं उसी पे ही चिपकी हुई हूँ मैं अलग कुछ भी नहीं बता रही हूँ लेकिन तात्पर्य पढ़ना हमें भी बहुत जरूरी क्योंकि जब हम अपना निजी अभ्यास कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में और जल्दी से वो घुस जाता है और अगर कक्षा में आने से पहले अगर तात्पर्य पढ़ते हैं तो कक्षा में अगर जो कोई भी अध्यापक है वो कुछ कह रहे हैं तो वो चीज जो है तुरंत ही हमारे दिमाग में बैठ जाती है ये ये प्रैक्टिस तो हम लोग स्कूल से करते आ रहे हैं लेकिन मैं मुझे आदत है कि भी हमें पता है कि इसके बाद क्योंकि हमारे स्कूल में उस टाइम सिस्टमेटिक जाता था एक पहला अध्याय दूसरा तीसरा चौथा इस तरह से तो मुझे पता है कि कल ये दूसरा अध्याय पढ़ाने वाली अध्यापिका में पढ़ के जाती थी ताकि मुझे जब वो पढ़ा रही है तो अच्छी तरह से समझ में आए अभी भी वो प्रैक्टिस चालू है क्योंकि मैं अभी भक्ति कर रही हूं तो उसमें जो स्कंद है तो हमें पता है कि ये वाले सेक्शन में अभी सोमवार से शुक्रवार में ये ये अध्याय पढ़ाए जाएंगे हमको तो मैं बकायदा उनको पढ़ती हूँ हर रोज उतने ही अध्याय पढ़ती हूँ उसके तात्पर्य भी पढ़ती हूँ ताकि फिर जब अध्यापक बता रहे हैं हमें तो हमें तुरंत समझ में आए और और अगर कोई जिज्ञासा है तो हम अध्यापक को पूछ सकते हैं कि ये ये हमारी जगह लेकिन अगर पढ़ेंगे नहीं तो कोई जिज्ञासा नहीं होगी है ना कोई उत्कंठता भी नहीं होगी अगर पढ़ेंगे नहीं तो, तो मैं आशा करी कि आप सब लोग पढ़ के आ रहे हो ना तो आइए आगे वाला श्लोक पढ़ते हैं कह रहे है? अदश्चोध्वा प्रतस्ता शाखा गुणा प्रवृा विषय प्रबल अदश्च मूला अनुसंता कर्मानु कर्माबंधनी मनुष्य लोके तो कह रहे हैं कि इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर था नीचे फैली हुई है और प्रकृति के तीन गुणों द्वारा पोषित है इसका पोषण यानी उसको नरिशिंग कहाँ से मिल रहा है उसको जो है प्रकृति के तीन गुण इसकी टहनिया इंद्रिय विषय है इस वृक्ष की जड़े नीचे की ओर भी जाती है जो मानस सॉरी मानव समाज के सकाम कर्मों से बंदी हुई है अभी सकाम कर्मों के बारे में हमने बहुत कुछ You know, सुना हुआ है कि सकाम कर्म क्या होता है तो कह रहे अः तस्य शाखा कृष्णा कह रहे हैं कि यहाँ पे है ना चीजें इतनी आसान नहीं है जितनी दिखाई दे रही है कुछ जड़े नीचे जा रही है और कुछ जड़े ऊपर की तरफ जा रही है और जो है इसकी जो टहनिया है इसकी जो शाखाएं है वो कहाँ जा रही है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ भी फैली हुई है और एक्चुअली इसका एक्चुअली प्रतीक क्या है ये क्या कहना चाहते हैं भगवान यही बताना चाहते हैं कि कैसे एक जीवात्मा ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी भौतिक संसार में जा सकता है अभी हमारे हाथ में क्या हम ऊपर जाना चाहते हैं हम लोग नीचे रहना चाहते हैं और ये जो सृष्टि है ये जो सृष्टि की रचना जो है ये किसके द्वारा हुई हुई है ब्रह्मा जी द्वारा हुई है राइट तो आ, इसके जो इसके जो इसके जो जड़े हैं, वो ऊपर है एंड वहां से अगर हम देखते हैं तो जड़े आपको नीचे दिखाई देगी तो इसलिए जो है ब्रह्मा जी जो है जो पहले जीव है सृष्टि के और जितने भी जीवात्माए है वो क्या हो रहा है वो नीचे गिरते हैं और इस भौतिक संसार में रहते हैं और फिर अलग अलग योनियों में जो है वो जो है उनकी बोलते ना यात्रा करते हैं अलग अलग दिशाओं में भी यात्रा करते हैं तो जब वो लोग एक योनी से दूसरी योनी जब उनका बोलते ना कि वॉर यू से फॉर ट्रैवलिंग प्रवास हाँ प्रवास है उनका तो जो है वो फिर से नीचे आते हैं या ऊपर जा सकते हैं तो अभी जीवात्मा के हाथ में है कि मैं जो हूँ मैं भ्रमण कर रहा हूँ योनि दर योनी योनी दर योनी तो कैसे मैं या तो नीचे जा सकता हूँ उसके पास अपनी एक चॉइस दी गई हुई है भगवान जो है बहुत स्वतंत्रता देते हैं कि या तो तुम नीचे रह जाओ या तो तुम ऊपर मेरे पास आ जाओ तो ये जो टहनिया है ये ये बता रही है कि कैसे जो है ये ये पेड़ जो है वो फैल सकता है इसे देखो शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है तो ये फैलते जाएगी फैलते जाना मतलब अभी हम हम भी फैलते जाएंगे एक योनी से दूसरे योनी दूसरे से तीसरी तीसरी से चौथी तो हम तो भौतिक संसार में रहते रहेंगे और कह रहे हैं कि गुण प्रवृद्ध विषय प्रवाला और गुण प्रवृद्ध मतलब क्या कि उनको जो पोषण मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है प्रकृति के तीन गुणों से ये पोषण मिल रहा है किसका पोषण मिल रहा है उनको कि एक योनी से दूसरी योनी दूसरी योनी से तीसरी योनी तीसरी से चौथी जाने के लिए ये पोषण जो है ये तीन गुणों के द्वारा ये पोषण मिल रहा है और देखिए हर पेड़ को पोषण के लिए कुछ ना कुछ चाहिए है ना जैसे पेड़ के पोषण के लिए क्या चाहिए पानी चाहिए लेकिन जब हम कोई इच्छा जो है चुनते हैं तो वो जो है वो तीन गुणों के आधार पर या तीन गुणों के अंदर ही हम लोग जो है वो इच्छा चुनते हैं और फिर जो है हमारी और उसके साथ हमारी जो है भौतिक इच्छाएं भी जो है वो क्या होती है वो उसका विस्तार होना शुरू होता है और इस तरह से जो है हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो इसलिए जो है विषय अ प्रवाला इंद्र यहाँ पे विषय देखिए ट्रांसलेशन क्या किया हुआ है इंद्रिय विषय इंद्रिय विषय मतलब क्या कि ये इंद्रिय विषय को जो है वो दो टहनिया है इसकी टहनिया इंद्रिय विषय है तो अः इसकी हैं ना कि अः छोटी छोटी जो है वो टहनिया है उसको अदस्मूलानी असंतुष्टानी तो कह रहे हैं कि ये जो है ये जड़े जो है वो कहा जा रही है नीचे जा रही है तो ये जो पूरा वृक्ष है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है वृक्ष और जब हम जड़ कहते हैं तो जड़ जो है उसमें बहुत सारी चीजें आती है जड़ यानी ये भी है कि जहां से चीजें शुरू होती है तो हम कहा से आए हुए हैं और फिर जो है हमारी जो बोलते हैं ना कि हमारी जो इच्छाएं है हमने जो इच्छाएं की हुई है वो भी कहाँ से आ रही है उसका जड़ कहाँ पे है और जो है अः कर्म करने का भी जो है जो इच्छा का जड़ है वो इच्छा का बीज है वो कहाँ से आ रहा है वो भी है तो हमें क्या करना है हमें जो है हमारे विचारों को बदलना है अगर हमें हमारे कर्मों को बदलना है तो हमें क्या करना है हमारे विचारों को बदलना है ये बहुत महत्वपूर्ण तो एक्चुअली जो है ये सेंटेंस है प्रभुपाद भी लिखते हैं तात्पर्य में कि अगर जो है हमें जो है हमारे विचार बदलने हैं तो हमें हमारे जो है अः कर्म भी बदलने होंगे और फिर अगर हमें जो है अगर हम फिर कुछ कर्म करते हैं तो वो हमारे विचार भी बदल देते हैं मान लो पहले मेरा विचार था कि मुझे कुछ करना था और कुछ गलत करना था लेकिन मैं कुछ ऐसे कर्म करती हूँ जैसे मैं ऐसे कर्म करती कि मैं रोज माला कर रही हूं तो कुछ गलत करने का जो इच्छा है वो मर जाएगी मेरी तो मैं वो करूंगी ही नहीं इस तरह से जो है हमारे विचार जो है वो बदल सकते हैं तो मतलब क्या हम अपनी जड़ों को बदल रहे हैं जहां से जो पाप का बीज हमने बोया हुआ था इच्छाओं के पाप का बीज हमने बोया हुआ था वही क्या हो जाएगा वो परिवर्तित हो जाएगा इसलिए जो है हम जो है अपने कर्मों के द्वारा हम या ऊपर जा सकते हैं या तो हम नीचे जा सकते हैं और हमारी जो विचारधाराएं भी जो है वो बदल सकती है कैसे जैसे जिस तरह से हम कर्म करते हैं उस तरह से हमारे विचारधाराएं भी बदल सकती है इसलिए कभी कभी हम बहुत ही सकारात्मक विचार करते हैं और कभी कभी हम लोग नकारात्मक विचारे भी होती है तो अगर सकारात्मक इच्छाएं रखेंगे तो ऊपर जाएंगे नकारात्मक इच्छा रखेंगे तो हम इसी नीचे ही रहेंगे या और नीचे नरक लोग की तरफ जाएंगे और इसलिए कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे एक शब्द है जो कह रहा है कि कर्म अनुबंधानी बंधीनी सॉरी है ना तो कर्म अनुबंधिनी मतलब क्या एक व्यक्ति जो है जो कर्म से बंधा हुआ है है ना कर्म करने के लिए क्या है वो बंधा हुआ है और कौन से लोक में बंधा हुआ है मनुष्य लोके में बंधा हुआ है है ना तो ये जो बोलते हैं ना कि लॉ ऑफ कर्मा जिसको बोलते हैं ये जो है बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग ब्रह्मांड में काम करता है अलग अलग तरीके से तो इस पृथ्वी पर अगर जो है मान लो कोई कर्म कर रहा है और स्वर्ग में अगर कोई कर्म कर रहा है तो यहाँ के कर्म का फल अलग होता है वहां के कर्मों का फल अलग होता है और इस तरह से जो है अगर स्वर्ग में भी कोई किसी भी वैष्णव को अपमान करता है या वैष्णव अपराध करता है तो जो है उसको भी जो है उसको भी सफर करना पड़ता है ही मतलब उसको भी उस कर्म का फल का बोलते ना कि अनुभव करना पड़ता है उसको दुख का अनुभव करना पड़ता है लेकिन जो है आ, स्वर्ग लोक में जो है ना वहां पे स्वतंत्रता बहुत ज्यादा है भौतिक पृथ्वी से ये भूलोक से स्वर्ग लोक में स्वतंत्रता ज्यादा है और इसलिए जो है ये लॉज ऑफ जो कर्मा है ना वो वहां पे अलग चलते हैं और यहाँ पे जो है अलग चलते हैं तो ये जो है कर्म अनुबंधानी मतलब क्या ये जो है ये जो कर्म बंधन है ये मनुष्य लोक में जो है ये बनाया गया हुआ है और इसलिए जो है मनुष्य लोक में ही व्यक्ति बंधा बंधता है तो प्रभुपाद ने भी अपने तात्पर्य में लिखा हुआ है कि आ, निचली योनियों में जो है वो वहां पे काफी जो है वैरायटी है है ना वैरायटी मतलब क्या कि वहा यहाँ पे जो है मनुष्य भी है जानवर भी है कुत्ते बिल्ली भी है तो ये जो भूलोक है या भूमंडल है या भूग्रह है तो ये जो है अः ये जो है ये क्षेत्र बताया गया कर्म करने के लिए ये क्षेत्र बताया हुआ है प्रभुपाद ने भी और तात्पर्य में बताया हुआ है भगवान भी यही बता रहे हैं तो चलिए क्या हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं है किसमें जीवात्मा को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते आ रहा है आगे जीवात्मा... आ रहा है आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है आ आ रहा है आगे ठीक है ना तो आगे कह रहे हैं देखिए तीसरा और चौथा श्लोक जो है ना वो एक साथ दिया हुआ है यहाँ पे कह रहे कि न रूपम इह तथा लोक तथा तथो पल नान्तो न ना, चार दिन चार दिन समप्रष्टित अश्वत्थमेन सुविरुद्ध विरुद्ध एक सेकंड ना मसंग क्षत्रेण दृढेन चित्वा ततम पदम तत परि मगित निवृत्तन्ति भूयः तमेव चाद्य पुरुषं प्रपद्ये यत प्रवृत्ति प्रसूता पुराणी तो क्या कह रहे हैं इस वृक्ष के वास्तविक रूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता है कोई भी नहीं समझ सकता है कि इसका आदि कहाँ है अंत कहाँ है और इसका आधार कहाँ है लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के सॉरी विरक्ति के शस्त्र से काटा जा सकता है विरक्ति यानी डिटैचमेंट तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहा जाकर लौटना न पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से, से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है तो आप देखिए क्या कह रहे हैं मैं जरा एक्चुअली संस्कृत शब्दों का सहारा ले रही हूं तो न रूपाणी सॉरी न रूपम अस्य तो जब हम कहते हैं ना कि न रूपम अस्य तो ये जो है ये जो इस वृक्ष का जो रूप है है ना अस्य यानी के इस वृक्ष का जो है है ना इस भौतिक जगत में तो कह रहे हैं कि हम समझ नहीं सकते हैं, देखिए उपलब्य अनुभव किया जा सकता है नहीं अनुभव किया जा सकता है हम समझ नहीं सकते हैं कि हमारे समझ से परे है ना समझ से बाहर है और जो है अभी कोई पूछ सकता है कि अरे हम इस पेड़ को इस पेड़ के रूप को क्यों नहीं समझ सकते हैं क्योंकि जो है ये बहुत ही विशाल पेड़ है और ये बहुत ही उलझा हुआ पेड़ है और इसलिए जो है हम इसको समझ नहीं सकते हैं ना तो न चादर न तो कह रहे हैं कि अः अः पे इसकी शुरुआत है जहां से वो प्रारंभ हुआ है जहां पे उसका अंत हुआ है तो इसका जो बोलते हैं ना इसकी नींव कहाँ है इसकी जड़ कहाँ है हमें नहीं समझ में आती है तो देखिए अर्जुन ने भी जो है जब विश्व रूप के बारे में पूछा था है ना सॉरी विराट रूप और विश्व रूप के बारे में पूछा था जो ग्यारहवे अध्याय में उसकी जो है स्पष्टीकरण किया हुआ था भगवान ने तो अर्जुन ने वहां पे भी पूछा था कि न अंतम न मधिम न पुनस्तविधिम कह रहे हैं कि भगवान आपके इस रूप का कोई कोई प्रारंभ नहीं है कोई अंत नहीं है कोई मध्य भी नहीं दिखाई दे रहा है मुझे तो ये मेरे लिए जो है वो बहुत ही भ्रमित करने वाली चीज है आपका ये जो विश्व रूप है तो इसलिए जो है कह रहे हैं कि ये जो है भौतिक जगत जो है अः इसमें एक्चुअली इतना महत्व नहीं कि इसका आदि कहा है और अंत कहा है इसकी शुरुआत कहा है इसकी अंत कहा है लेकिन हमें क्या करना है कि हम इससे कहा से बाहर निकल के जाना है अगर एक आत्मा है और आत्मा जो है जैसे पक्षी आता है और बैठता है ना तो पक्षी को एक्चुअली आत्मा कहा गया है तो पक्षी आता है और वो बैठता है और अपना काम करके उस पेड़ से निकल जाता है उसको जो कुछ भी खाना था पीना था जो भी रेस्ट करना था वो करके वो निकल जाता है तो इसलिए जो है आचार्य गण क्या कहते हैं कि इस उलझन में मत पड़ो कि इसका आधी का है, का है। आपका क्या प्रॉब्लम है अगर कहीं पे आग लगी है तो हम ये नहीं सोचेंगे अरे आग कैसे लगी किस तरह से लगी कैसे लगी हम पहले क्या करेंगे सीधा बाहर भागने की कोशिश करेंगे ना घर के तो इस तरह से जो है हमें भी जो है बाहर और मतलब इस भौतिक संसार से बाहर भागने की बहुत जरूरत है और इसलिए जो है कृष्णा कह रहे हैं कि न इसका अनुभव नहीं किया जा सकता है लेकिन जो है हम क्या कर सकते हैं हम ये समझ सकते हैं सिद्धांत हम ये समझ सकते हैं कि देखिए हम यहाँ पे जो है वो आसक्तियों से बंधे हुए हैं हमारे पास बहुत सारी आसक्ति है, है ना और इसलिए जो है इन आसक्तियों से हम कैसे निकल सकते तो इस वो कह रहे हैं कि सुविरुद्ध सुविरुद्ध मलम सॉरी मूलम और असंग शस्त्रण सुविरुद्ध मतलब क्या कि ये जो पेड़ है वो बहुत ही अत्यंत दृढ़ता से जो है जड़ से चिपका हुआ है और फिर जो है Uh, कह रहे तो हमारी भी जितनी भी आसक्तियां है ना वो जो है वो इस भौतिक जगत में बहुत ही uh, बोलते ना कि गहरी आसक्तियां है।, कुछ -कुछ है और इसलिए जो है हमें क्या करना है इसके लिए असंग शस्त्रेण छित्वा छित्वा यानी या काटना है तो अस असंग शत्र किसके कौन सा है शस्त्र जो 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 इसको कहते हैं ना कि जो विरक्ति का जो शस्त्र है उसके माध्यम से हमें जो है इसको दृढ़ता पूर्वक काटना है दृढ़ होकर कभी कभी ना हमारी भौतिक आसक्तियों को काटना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो इतने जटिल हो चुके होते हैं तो जैसे कभी एक माँ भी होती है ना तो भले बच बच्चे से बहुत आसक्ति है उसको लेकिन बच्चे के भलाई के लिए वो दृढ़ हो जाती है कि अब इसको एक चपेट देना बहुत जरूरी है वरना ये गलत कार्य करते ही जाएगा उसी तरह हमें भी हमारे मन को क्या बनाना है दृढ़ बनाकर इन आसक्तियों को काटना है तो देखिए अः अः ये जो आसक्ति है है ना जो ये बहुत स्ट्रांग है तो आसक्ति को विरक्ति से काटा जा सकता है लेकिन कैसे काटना है दृढ़ता पूर्वक काटना है और जो है अः कहते शस्त्र छित्वा तो कह रहे हैं कि ये जो विरक्ति की जो आरी है है ना जिसके माध्यम से जो हम काटते हैं असंग मतलब क्या संग संग मतलब क्या संग मतलब जो भक्तों का संघ है एसोसिएशन जिसको कहते हैं और असंग मतलब क्या कि जो जो है आ, अच्छा संग नहीं है है ना उसका विरुद्ध आर्थी है संग और असंग बोलते है ना तो असंग जो है आ, बहुत आ, बहुत सहज नहीं है उत्पन्न करना और इसलिए जो है आ, डिटैचमेंट जिसको कहते असंग मतलब हम जो है वो विरक्त हो जाते तो विरक्ति जो है उसको बहुत टाइम लगता है विरक्ति के लिए कुछ जन भी लग सकते हैं लेकिन अगर मेरे पास क्या है दृढ़ता है चित्तवा दृढ़ता है तो फिर जो है आ, आसानी से हम इसको काट सकते हैं तो Uh, hmm. अगर आज मैं जो हूँ विरक्त नहीं हूँ लेकिन धीरे धीरे मैं विरक्त हो सकती अभी आप देखना ना कि कैसे धीरे धीरे जो है हम लोग कितनी सारी चीजों से विरक्त हो चुके हैं पहले हम लोग जाते थे पिक्चर देखने के लिए इस इधर घूमने के लिए उधर घूमने के लिए अभी हम लोग क्या जाते हैं थिएटर्स में पिक्चर देखने के लिए पहले लोग प्याज लाते थे दारू पीते थे नशा करते थे जुआ खेलते थे मांस मच्छी खाते थे <coughs> तो क्या हो रहा है धीरे धीरे विरक्त हो रहे कोई व्यक्ति बिल्कुल दस दस बारह बारह सिगरेट पी रहा था पहले अब तो जीरो सिगरेट हो गया उसका है ना? भगवान की भक्ति करने के बाद तो दृढ़ता पूर्वक हमने बहुत सारी चीजों को छोड़ी हुई है है ना तो अब जो है भगवान क्या कह रहे हैं तथा पदम तथ परिमार्ग मार्गी त अव्ययम है ना और यस्मिन गता न निर्वंतंती भूय तम एव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रस्तुता पुराणी तो कह रहे तो भगवान जो है आ, कि अभी आपको विरक्ति लानी चाहिए भगवान इंस्टेंट नहीं है ज्ञान अभी अभी सुना आपको विरक्ति लानी है नहीं हम्म और आपने अभी विरक्ति ला ली अभी आपका काम समाप्त नहीं वो क्या कह रहे हैं क्योंकि ये तो सिर्फ बोले ना कि कहानी का एक भाग है दूसरा भाग में भगवान क्या कह रहे हैं कि जो है अ तथा तथा पदम तथा पदम मतलब क्या अ उसका जो गंतव्य है उसको उसकी प्राप्ति होगी और यस्मिन गता न निर्वंतंती भूय तो उसका उसका जो गंतव्य है वो वो उसको प्राप्त करेगा उसकी जो वास्तविक स्थिति है वो उसको प्राप्त होगा पदम न निर्वंतंती भूय यहाँ पे कोई वापस नहीं आएगा एक सेकेंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है एक सेकंड में मैं वाइंड अप करती हूँ हरे कृष्ण आज है ना परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज से हमारी ना मीटिंग है एक्चुअली तो उसके संदर्भ में फोन आया था एक्चुअली तो आगे क्या कह रहे हैं आगे कह रहे हैं कि जो है पदम न निर्वंतंती भूय तो ये सब करके जो है व्यक्ति जो है वापस इस जगह पे नहीं आएगा है ना निर्वंतन तो आ, और अः उस जगह पे जाने के बाद फिर हमें क्या करना है अगर वो जगह हमें प्राप्त होती है आ, उस जगह पे जाने के बाद तो कह रहे हैं कि अः एव चाद्य पुरुषम प्रपद्य मतलब क्या आ, हमें जो है उस पुरुष को जो है क्या करना है शरणागत होना है प्रपद्य शरणागत हो जाना है लेकिन वो व्यक्ति कौन है किस व्यक्ति को हमें जो है शरणागत होना है तो यत प्रवृत्ति प्रस्तुता पुराणी ये यह यहाँ पे एक्चुअली कह रहे हैं तो कह रहे हैं कि आ, जिससे ये पूरी जो है अः जो, जो है जिससे ये पूरी प्रवृत्ति ये जो पूरा जहां से स्टार्ट हुआ है वो व्यक्ति जो है वो कौन है वो आ, अत्यंत पुरान है है ना तो इसलिए जो क्या यहाँ पे ना कृष्ण क्या कह रहे हैं कृष्ण यही कह रहे हैं कि जब हम जो है भौतिक जगत में कार्य करते जाते हैं तो हमें जो है आगे भौतिक जगत में ही रहने के लिए कौन कौन हमें भौतिक जगत में ही ना रहने के लिए प्रेरित करता है वो है हमारा भौतिक संग और इसलिए जो है हम लोग ने गुणों के बारे में भी हम लोग ने काफी चर्चा किया है और फिर जो है गुणों के बारे में मतलब क्या कि जड़ जड़ पेड़ की जड़ को एक्चुअली कौन जो है पोषण दे रहा है ये गुण ही दे रहे है ये तीन गुण ही पोषण दे रहे हैं और इसलिए जो है आ, हम जो है इस आ, भौतिक पेड़ को जो है हम आ, जो भौतिक पेड़ है जिसको बोलते ना कि भौतिक अस्तित्व का ये जो पेड़ है इसको जो है हम खत्म नहीं कर सकते हैं लेकिन हम जो उलझे हुए हैं यहाँ पे इस भौतिक संसार में वो हम खत्म कर सकते हैं जैसे मान लो कि एक जो कैदी है वो पूरे जेल को खत्म नहीं कर सकता है या उसको मतलब पूरा तोड़ताड़ के या उसका मतलब बम से कुछ उड़ा नहीं सकता है लेकिन एक कैदी जो है वो अपनी ही जो जो है ना आ, जो है कैद वो रिहा हो सकता है अच्छे कर्म करके अच्छा बर्ताव करके वो कैदी जो है अपने आप को उस उस जेल से रिहा कर सकता है इसीलिए जो, जो है हम जो है हमारी जितनी भी आसक्तियां हैं इस भौतिक जगत में काटते हैं किसके द्वारा विरक्ति के द्वारा और कहते हैं ना जन्म मृत्यु जरा और व्याधि वो तो रहेंगे ही लेकिन आ, आ, क्योंकि वो हम अपने एक्चुअली आपको बोलते हैं ना हमारी पहचान है जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसके माध्यम से हम लोग जो है अपने अपने आपकी पहचान करवाते हैं तो अगर इसी चक्कर को हम लोग जो काटते हैं क्योंकि हम जो है हमारे शरीर से आसक्त है राइट तो इसी चक्कर को अगर हम काटेंगे तो हमारे पास जो है कम दुख होंगे और इसलिए जो है कह रहे हैं कि तता पदम, तता पदम परी, पदम परिमा गंतव्य तो कह रहे हैं कि जब हम विरक्त हो जाते हैं इस भौतिक जगत से जो गलत तरीके से हमें जो है दिशाएं दे रहे हैं और जो है सुंदरता है या कुछ अच्छी क्वालिटी से हम लोग जो बहुत आकर्षित हो जाते हैं तो इसलिए हम आगे बढ़ते रहते हैं लेकिन अगर हम विरक्त ही हो जाएंगे तो हम इस भौतिक संसार से हम प्रभावित नहीं होने वाले हैं और इसलिए हम जो है विरक्त हो जाएंगे और देखिए जीवात्मा का जो है स्वभाव ही है आसक्त होना जैसे एक लोहा जो है आसक्त होता है चिपक जाता है चुंबक को तो हम है लोहा भगवान है चुंबक तो जीवात्मा का ये बहुत ना वास्तविक स्वभाव है भगवान को चिपकना लेकिन अभी जो है इस लोहे पे गंज लग जंग लगा है तो मराठी में इसको गंज बोलते हैं, और हिंदी में इसको जंग बोलते हैं तो जंग लग चुका है और इसलिए जैसे ये जंग निकल जाएगा उसको कहते हैं द रस्ट ऑफ लस्ट तो ही ये काम है, निकल जाएगी, और ही जो है ये लोहा चुंबक की तरफ दौड़ेगा अभी जंग लगा वो उसको आसक्ति नहीं है लेकिन जैसे ही आ, हमारा जो है ये जितने भी अनर्थ निकल जाएंगे और हमारी आसक्ति भगवान के प्रति जागृत हो जाएगी तो तुरंत ही जो है हम इस भौतिक संसार से छुटकारा पाएंगे और आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे और कह रहे हैं कि आ, आ, हमें जो है न, विरक्ति एक व्यक्ति से नहीं लेनी है भगवान से हमें विरक्त नहीं होना है हमें जो है बाकी सब चीजों से विरक्त रहना है लेकिन क्योंकि मायावादी लोग क्या कहते हैं ना कि बोलते हैं कि जो है आ, हर चीज से विरक्त होना है हर चीज से अः क्योंकि देखिए हम जो है हम ना किसी एक अर्च विग्रह से बहुत अटैच होते हैं जैसे पहले पहले जब हम आए थे पुणे में तो पुणे में एक जो कैंप में एक छोटा मंदिर है वहां पे राधा श्री राधा कुंज बिहारी हम इतने आसक्त तो उस विग्रह से मुझे ऐसे लगता था कि बस मुझे यहाँ से नहीं कहीं हिल्ला नहीं है तो जब मैं बॉम्बे गई तो कुछ दिनों के लिए बहुत उदास थी क्योंकि मेरे दिमाग में वही वही विग्रह जो है वो सामने आ रहे थे और मुझे ऐसे लगता था कि नहीं मुझे इन्हीं से प्रेम है बस मुझे उधर ही जाना है वापस लेकिन धीरे धीरे राधा गोपीनाथ की तरफ और आ सकती होगी जब मुझे दिल्ली जाने का टाइम आ गया तो मुझे लगा हाय हाय मैं राधा गोपीनाथ राधा राज बिहारी मैं कैसे इनसे अलग हो जाऊंगी लेकिन फिर मैं जैसे ही दिल्ली पहुंची तो वहां पे ऑब्वियसली मैंने तेरह साल विदा है तो वहां में श्री राधा पार्थ सारथी से आसक्त हो गई मैं और ऐसे लग रहा था कि नहीं अभी यहाँ से कहीं नहीं जाना है लेकिन देखिए आपको काल कहा फेंकता है हमें नहीं पता है वो कौन से आ, दूर दूर जहां पे आप कभी गए भी नहीं वहां पे भी भगवान या आपके कर्म आपको फेंकते हैं वहां पे तो इसलिए जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि मायावाद लोग है ना वो कह रहे कि भगवान से भी विरक्त तो हो जाना है क्योंकि तो मायावादी लोगों का कहना क्या है कि मायावादी क्यों इतने डेंजर होते हैं मैं बताती हूँ मायावादी इसलिए डेंजर होते हैं ना क्योंकि वो कहते हैं कि भगवान का अस्तित्व ही नहीं है भगवान हमें भगवान को शरणागत नहीं होना है हमें भगवान से ऊपर जो व्यक्ति है उसको शरणागत होना है तो मायावादी इसलिए डेंजर है क्योंकि वो भगवान के अस्तित्व को ही नकारते हैं और इसलिए जो है हमें जो है जो है बहुत ही यहाँ पे क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि हमें जो है उस परम पुरुष से जो है वो है वो विरक्त नहीं लेनी और जो है हमारे इष्ट देव है, है ना जो हमें जो है आध्यात्मिक जगत में ले जाने देखो हर एक व्यक्ति का एक इष्ट देव होता है चाहे वो गौर नेता हो चाहे वो नरसिंह भगवान हो चाहे वो राधा कृष्ण हो चाहे वो राम भगवान हो ठीक है ना भगवान के जितने कई लोग जैसे मान लो हनुमान भगवान हनुमान जो है उनके इष्ट देव राम है है ना या कुछ कुछ लोगों के इष्ट देव गौर नेताए है हालांकि अपने इष्ट को कभी भी किसी के सामने बताना नहीं चाहिए उसको गुपित रखना चाहिए उसको गुप्त रखना चाहिए नहीं तो फिर आपका और उनका जो संबंध है वो टूट जाता है इसलिए जो है कई लोगों को अलग अलग भगवान के रूप से एक्चुअली आकर्षित है लेकिन उनका जो परम गंतव्य है वो आध्यात्मिक जगत ही है ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक जगत उनका गंतव्य नहीं होगा तो इसलिए जो है हमें जो है अः यहाँ पे यही देखना है कि कैसे हम जो है अपने परम गंतव्य तक पहुंच सकते और प्रवपाद ने भी जो है अब देखना तात्पर्य में जो है वो बताया हुआ है कि कैसे जो है ये असंग शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो है अः हमारे पास जो है ना आसक्ति बहुत है इंद्र तृप्ति करने की और आ, हमें लगता है कि हम ही जो है इस पूरे सृष्टि के मालिक है उसको इंग्लिश में कहते तू लॉडेड ओवर द मटेरियल नेचर तो वो इतना अः है हमारे में कि बहुत बहुत मुश्किल है किसी भी चीज से विरक्ति लेना लेकिन कहा है कि जैसे जैसे हम धीरे धीरे शरणागत होते जाएंगे भगवान को तो विरक्ति ये भी जो है वो आसक्तियां जो है वो विरक्ति में प्रवृत्त इसलिए तो भगवान कहते हैं ना कि अहम सर्वस्य प्रभव मैं जो हूँ मैं ही सभी चीजों का उद्गम हूं राइट और कृष्णा ने जो है यहाँ पे यही कहा है अः यत प्रवृत्ति प्रस्तुता पुराणी मैं वो व्यक्ति हूँ जो सबसे पुराण हूँ मैं अत्यंत पुराना व्यक्ति हूँ और किसको व्यक्ति ने किसको जो है अः सरेंडर करना है या शरणागत होना है तो वो मैं वो पुरुष हो तो कहते हैं प्रभुपाद भी तात्पर्य में ये कहते हैं कि जैसी कोई व्यक्ति जो है भगवान को शरणागत होता है तुरंत ही वो जो है इस भौतिक जगत से विरक्ति पाता है अपने आप ही आप देखिए ना हमारे साथ भी यही हुआ है राइट जैसे हमने भगवान का नाम लेना शुरू किया कितनी सारी चीजों से हम लोग विरक्त हो गए कितनी सारी इंद्र तृप्ति हम लोग बेफिजूल की इंद्र तृप्तियां कर रहे थे उससे हम विरक्त हो चुके हैं है ना और कितना हमारा पैसा भी बच रहा है कितने लोग अभी देखो कितने लोग प्याज लहसन खा रहे हैं अभी आजकल प्याज लहसन कितना महंगा है कितने लोग दारू पीते थे कितने लोग मांस मच्छी खाते थे कितने लोग जो है वो सिनेमा घरों में जाते थे कितने लोग बेफिजुल की शॉपिंग करते थे मॉलों में क्योंकि अंदर जब खोखला था अंदर हृदय ही खोखला था तो आनंद बाहर ढूंढ रहे थे लेकिन आनंद तो हमारे अंदर ही है आनंद हमारे अंदर ही बैठे हुए परमात्मा के रूप में हम लोग अंदर की तरफ नहीं झाँक रहे थे और हम खुशी बाहर ढूंढ रहे थे लेकिन जब अब हम भगवान से जब धीरे धीरे जो है जुड़ रहे हैं तो हमें बाकी सारी चीजों से क्या हो रहा है विरक्ति है तो पॉइंट क्या है प्रवपाद यही बता रहे हैं कि ये जो है ये आदान प्रदान वाला रिश्ता है भगवान के साथ हमारा है ना भगवान ऐसा नहीं है कि तुम मुझे शरणागत हो जाओ और मैं सिर्फ इस तरह से खड़ा रहूंगा आशीर्वाद देते नहीं भगवान भी हमारे साथ आदान प्रदान करते तो हमें जो है विरक्त तो होना है मतलब डिटैच हो जाना इधर से लेकिन अटैच कहाँ से होना है आसक्त कहाँ पे होना है भगवान की तरफ आसक्त होना है शरणागत होना है और हम भगवान को जब शरणागत होते हैं तो हम अगेन बाकी सब चीजों से जो हम वो है विरक्ति हो जाएगी तो ये क्या होता है ना कि एक सिलसिला चलते रहता है जितना हम भगवान की तरफ जो शरणागत होंगे बाकी चीजों से विरक्त होंगे जितना हम बाकी चीजों से विरक्त होंगे हम भगवान की तरफ शरणागत होते ये सिलसिला चलते रहेगा और इसलिए जो है ये बहुत ही हम प्रभुबंध बोलते हैं ना कृष्णा कॉन्शियसनेस इज स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस स्लो है हमारा मार्ग और स्वाभाविकी है और धीरे धीरे जो है हम भगवान को और और शरणागत होते हैं जैसे हम जितनी हम बोलते ना बोलते ना प्रयास करते हैं या स्ट्रगल करते हैं तो उतना ही मात्रा में जो है हम अपने आप को विरक्त रखते हैं भौतिक चीजों से या भौतिक जगत से और इसलिए जो है जब हमारे पास क्या कहते हैं हम जब सक्सेस मिलती है हम लोगों को तो फिर जो है वापस जो है हम लोग विरक्त रहते हैं और इसलिए जो है जब आ, कहते हैं ना कि ये शरणागत होने के लिए बहुत जन्म लेने पड़ते शरणागत एक जन्म में नहीं आता है और आ, देखो कर्म योग ज्ञान योग अष्टांग योग फिर भक्ति योग तो भगवान भी कहते हैं ना बहुनाम जन्म नाम ज्ञानवान जो प्रभु हमें मार्ग दे रहे हैं कि हमें जो है सिर्फ केवल भगवान को शरणागत होना है और वो हमें अपने इसमें भागवतम में एक श्लोक आता है कि वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित अः जनयत वैराग्यम ज्ञानम च यद तो जब हम भगवान को शरणागत होंगे तुरंत ही जो है बाकी सारी चीजें अपने आप ही जो है होना शुरू हो, हो जाए लेकिन उसके लिए क्या चाहिए द्रिडेना, आ, असंग शस्त्रेण और जो है आद्याम पुरुषाम प्रपद्य है ना तो ये सब चीजें जो है बता रहे अब जो है ना अगले श्लोक में भगवान जो है हमें बताने वाले हैं कि शरणागत होने का ये प्रोसेस क्या है हाउ टू सरेंडर वॉट इज द प्रोसेस ऑफ सरेंडरिंग टू द लॉर्ड तो अः uh, ये मार्ग क्या है शरणागति का जो ये मार्ग है तो ये मार्ग क्या है तो कह रहे हैं कि निर्माण मोह जित संग दोष आध्यात्म विनिवृत्त काम बंदेर विमुक्त सुख दुख समग्ने गच्छन्ति अमूढा पदम तो कह रहे कि तत् झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है निर्मा निर्माण मोह और नि, नि निमान नि, को जिसको कोई मान नहीं चाहिए कोई मोह भी नहीं होता है किसी से है ना और निर्माण मोह जितसंग दोष जितसंग दोष जिसने ये जो है संगति से वो मुक्त हो गया है तो ऐसा व्यक्ति जो है वो जो है अः जो शाश्वत समझता है और जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना होन, होना जानते हैं वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तो कह रहे हैं कि निर्माण मोह क्योंकि निर्माण निर्माण मतलब क्या बिना मान है ना आ, बिना मतलब ना प्रेस्टीज जिसको कहते हैं और मोह मोह मतलब क्या कि हम मोहग्रस्त है जिसको इंग्लिश में एक्चुअली इल्यूजन भी कहते हैं भ्रमित हो जाना राइट और जितसंग दोष जैसे अः अः कभी कभी हम लोग ने ना कुसंगति की वजह से भी जो है बहुत सारे त्रुटिया अपने में ले ली है हमारे पास बहुत सारे फॉल्ट है लेकिन किसकी वजह से वो आए हुए है फॉल्ट कुसंगति के द्वारा वो जो है कमियां आई हुई है हमारे में ठीक है और कह रहे आध्यात्म नित्य आध्यात्म नित्य मतलब क्या कि जो कोई भी जो है आध्यात्मिक ज्ञान में जो है वो स्थित है तो वो जो है शाश्वतता में भी स्थित है विनिवर्तक तो जब वो काम वासना को त्याग देता है शिल प्रभुपाद ने एक्चुअली इसमें ना जो अगर इंग्लिश डिक्शनरी एक्चुअली जो दी हुई है तो शिल प्रभुपाद ने जो है अः uh, कहा हुआ है कि जिसने जो है काम वासना से अपने आप को जो है अलग कर लिया हुआ है काम से जो है विलग कर लिया हुआ है अपने आप को तो उसको उसको कहते विनिवर्तक काम और वृत्ति मतलब क्या वृत्ति मतलब क्या कि मेरी क्या वृत्ति है क्या मेरी वृत्ति बहुत जेन्यून है या मेरी कोई वृत्ति फसाने वाली वृत्ति है मतलब मेरा इंटेंशन क्या है हाँ मेरा जो है मेरा मन क्या कह रहा है मेरा हर वक्त मन क्या कह रहा है कि मैं हमेशा लोगों का भला करूं या मैं लोगों को लूटपाट करूं या उनको फसाओ या उनको ठगू किसी की वृत्ति इस तरह से पता तो उसको कहते वृत्ति और निर्वृत्ति मतलब क्या कि मेरी जो वृत्ति है उसके विपरीत जाना मेरी वृत्ति है चोरी करना लेकिन मैं क्या करती हूँ नहीं मैं नहीं चोरी करूंगी मैं सबका भला ही करूंगी इस वृत्ति के विपरीत जाना तो उसको त्याग देना उस वृत्ति को ही त्याग देना उसको कहते हैं कि जो है निवृत्ति उस निवृत्ति मतलब उससे जो मेरी वृत्ति उससे अलग हो जाना अब देखिए हमारे वेदों में भी है ना दो मार्ग है एक है प्रवृत्ति मार्ग और एक है निवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग मतलब क्या कि मेरे में कुछ ऐसी जो चीजें है जो मुश्किल है निकाल पाना है ना निर्वृत्ति जो कुछ भी मुश्किल है मुझे उसको निकालना है तो प्रभुपाद ने हमें जो है प्रवृत्ति मार्ग भी दिया निवृत्ति मार्ग भी दिया निवृत्ति मार्ग में क्या होता है हम जो है चार नियमों का पालन कर रहे हैं मांसाहार नहीं करना ये सारे ना हमारे अनर्थों को भी खत्म करता है जो कोई भी चार नियमों नियम मनुष्य नियम की योनि में, में होने के बावजूद भी जानवरों जैसे ही वो कार्य कर रहा है इसका मतलब क्या हम लोग भक्ति में आने से पहले हम भी जानवर ही थे लेकिन जब चार नियम फॉलो करना शुरू किया हम मनुष्य के स्तर पर हम पहुंच गए अब निवृत्ति के साथ साथ कुछ अर्थ वाली प्रवृत्ति भी होनी चाहिए तो प्रवृत्ति मार्ग प्रवृत्ति मार्ग मतलब क्या कुछ अर्थ वाली एक्टिविटीज कुछ मीनिंगफुल एक्टिविटीज हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं सुबह में हम लोग साढ़े तीन तीन बजे उठ जाते हैं है ना मैं एक्चुअली पौने चार बजे उठती हूँ पौने चार साढ़े पौने चार बजे उठ जाते हैं स्नान वान करते हैं मस्त अपना ध्यान लगाने बैठ जाते है सोलह माला का जब हम लोग करते हैं कुछ पढ़ाई भी कर लेते हैं तो वो कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग मंगला आरती करना और भगवान का ध्यान करना और वेदों का ज्ञान अर्जित करना ये प्रवृत्ति वाला मार्ग मतलब कुछ मीनिंगफुल एक्टिविटी करते हैं और जो है दो मार्ग है कभी कभी प्रवृत्ति के मार्ग से हम आसक्त भी होते हैं और निवृत्ति के मार्ग से हम अनासक्त भी हो जाते हैं लेकिन ये जो है वेदों में ये जो दो मार्ग है इसको एक्चुअली कर्मकांड कहा गया है और कर्म संन्यास कहा गया है तो आ, मतलब क्या कि आ, आ, कुछ चीजें हम लोग त्याग देते हैं और कुछ चीजें हम अपनाते कुछ एक्टिविटीज हम लोग अपनाते हैं तो इसलिए जो है ज्ञान योग क्योंकि देखो ये पूरा सेक्शन जो है तेरहवीं अध्याय से लेके अठारवी अध्याय तक ये ज्ञान योग का सेक्शन है तो ज्ञान योग मतलब क्या कि आप जो है आ, आ, क्या कहते हैं कि हम लोग जो है अः ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं जिसके माध्यम से आ, हमारा अज्ञानता जो है वो दूर हो जाता है और क्योंकि हम योनि दर योनि जो है यहाँ पे फंसे हुए है तो अज्ञानता के कारण हम लोग फंसे हुए हैं तो जैसे ज्ञान आता है तो हम अपने आप को विरक्त कर सकते हैं और इसलिए जो है निवृत्ति का एक और एक्चुअली अगर आप देखोगे ना निवृत्ति का एक और मीनिंग जो है वो ये भी है कि रिटायरमेंट लेना रिटायरमेंट मतलब क्या कि हम लोग ने जो है जितने भी इंद्रिय सुख का जो भोग कर रहे हैं हम लोग इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं हम लोग उससे हम लोग विरक्त हो जाए तो विनिवर्तक काम है ना तो विनिवर्त काम मतलब क्या अः क्योंकि मेरे पास जो है बहुत सारी इच्छाएं है मतलब भोगने इस इंद्रियों इंद्रियों से बहुत सारी भोगने की इच्छाएं है तो फिर ये जो है मुझे जो है बांध के रखा हुआ है इस संसार में मेरी जो आत्मा है इसको बांध के रखा हुआ है तो जैसे जैसे जो है जैसे मान लो आ, भगवान कहते हैं कि प्रकृति इष्टो ही भूंगते प्रकृति जान गुण तो एक, एक व्यक्ति जो है अगर कोई पिक्चर देख रहा है ना थिएटर में जाके तो फिर जो है वो बहुत सारे है ना बोलते ना अः बहुत सारे भावनाएं देख रहा है है ना कि कोई कोई गुस्से में है कोई रो रहा है कोई भयभीत है लेकिन अगर अः अः कोई अगर जो है पिक्चर देखता ही नहीं है है ना थिएटर में अगर कोई जाता ही नहीं है तो ये जितने भी भावनाएं उसको प्रभावित नहीं करेगी तो फिर उसके पास वो इच्छाएं भी जागृत नहीं होगी भोग भावना करने के लिए जैसे कई लोग है ना पिक्चर जाते हैं ना तो क्या करते हैं कि हीरो हीरोइन को देखते हैं, फिर अगर लड़का है तो अपने आप को हीरो में देखता है और लड़की है तो अपने आप को हीरोइन में देखती है फिर वहां से वो लोग कुछ संभोग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो ये इच्छाएं जागृत हो जाती है कि काश मेरा भी बॉयफ्रेंड एकदम सुंदर हो ये हो वो या इवन एक्चुअली आजकल है ना क्या प्रॉब्लम है कि अगर कोई दंपत्ति भी है ना एक कपल भी जा रहा है पिक्चर देखने के लिए और किसी स्त्री का व्यक्ति स्त्री बड़ी गोरी चिट्टी है और जो उसका पति है वो थोड़ा जरा सावला टाइप है तो स्त्री को लगता है कि मेरा दुर्भाग्य कि मुझे ऐसा पति मिला और वो कहती काश मुझे सलमान खान मिलता और शाहरुख खान मिलता और अभी के जितने भी एक्टर्स आए हुए हैं हमारे जमाने में तो शाहरुख खान सलमान खान थे तो उनको उनको लगता है कि काश मेरा भी हस्बैंड ऐसा हो लेकिन अगर हम वास्तविकता में जाएंगे ना रियलिटी में अगर जाएंगे तो वो लोग अपनी दुनिया में कुछ अलग ही जीवन जी रहे हैं वो लोग जो पिक्चर में दिखाया गया हुआ जीवन है वो नहीं जी रहे हैं ये सिर्फ एक बोलते ना एक कहानी रची गई है और उसके ऊपर पे ये किरदार निभा रहे हैं उस व्यक्ति का तो हमें जो है ऐसे बोलते ना नकली किरदारों से प्रभावित नहीं होना है फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में उसको आई कैन नॉट लिव समी एल्स इज लाइफ राइट किसी को लगता है कि अरे अंबानी अडानी ये जितने भी लोग हैं ओके okay? तो के कोई अगर फॉर एग्जाम्पल आज चलो आपको अंबानी की पोजिशन में डाला जाए ठीक है ना बोलेंगे अंबानी को हटाएंगे अंबानी बोलेंगे ठीक है मैं अपने आप को हटाता हूँ और आपको इस कंपनी का सीईओ मालिक बना देता हूँ तो क्या आप जी पाओगे उस व्यक्ति की जिंदगी क्योंकि वो तो नकली है अंबानी और ये जितने भी लोग है वो जो है वो किस तरह से बड़े बने हुए है वो बहुत संघर्ष करके बड़े हुए है और ऐसा नहीं है कि आसानी से वो अंबानी बने हुए है या एक ऊंचा औहदा लिया हुआ है उन्होंने भी काफी सैक्रिफाइसेस किए काफी त्याग किया हुआ है तब जाके उस पोजीशन पे आए कितना अभी भी कितना हेडेक लेते हैं आप जाके उनको पूछो कि क्या जो है आप स्लीपिंग uh, पिल्स उसको कहते हैं नींद लेने की नींद आने के लिए कोई गोली लेते तो वो हाँ बोलेंगे यस वो लोग ले रहे हैं क्यों क्योंकि इतना बड़ा विशाल राज्य खड़ा किया हुआ है उन लोगों ने तो भय रहता है मुझे यहाँ से गोली मिलेगी मुझे वहां से गोली मिलेगी उनके आस पास इतनी सारी सिक्योरिटी है हमारे पास कोई टेंशन है क्या कोई मुझे इधर से गोली मारेगा उधर से गोली मारेगा हमारे पास कोई इतना टेंशन आज हम जब सो जाते हैं वन टू टेन काउंट करो उतने में हम लोग सो जाते हैं एक शॉट में हमें नींद आ जाती है और बड़ी गहरी पांच छह घंटे की नींद मस्ता आ जाती है तो इसलिए जो है ना हम लोग झूठी प्रतिष्ठा काश मेरे पास ये होता काश मेरे पास वो होता तो इसलिए जो है जब हम पिक्चर देखने जाते कोई थिएटर में तो ये जिसकी भी भावनाएं है वो हमें प्रभावित करती है और जब ये भावनाएं प्रभावित करती है तो हमें लगता है कि हमें जो है ये सारी भौतिक चीजें हमें क्या करना है हमें उसका लुफ्त उठाना है या आनंद उठाना है और जो है इस तरह से हम जो लेकिन अगर हम जाएंगे ही नहीं तो ये भावनाएं हमें प्रभावित ही नहीं करने वाली है राइट और फिर हम उलझ नहीं जाएंगे और इस तरह से जो है हमें भौतिक इच्छाएं आएगी भी नहीं और हम जो है वो विलग रहेंगे या विरक्त रहेंगे इन सब चीजों से तो कह रहे हैं कि द्वंदेर, द्वंदे द्वंदे विमुक्ता सुख दुख संगे ना तो तो सम्वे विमुक्त मतलब क्या कि द्वंद से व्यक्ति कैसे विमुक्त हो सकता है कैसे मुक्त हो सकता है कौन से व्यक्ति जो है इस तरह कर सकता है कौन है वो व्यक्ति है जो ऐसा कर सकता है तो कह रहे कि गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम कि वो व्यक्ति जो है जो अमूड है वो जो है जो व्यक्ति जो है वो बोलते हैं ना कि भ्रमित नहीं हो गया है तो जो व्यक्ति जो है जो इस भौतिक प्रकृति की शक्ति से प्रभावित नहीं है वो व्यक्ति जो है वो उस शाश्वत राज्य को प्राप्त कर प्राप्त कर सकता है तो अगर कोई व्यक्ति जो है क्योंकि जो देखो ये जो भौतिक प्रकृति या भौतिक शक्ति जो है भगवान की ये जो है ये हमें मूड बनाती है एक्चुअली और जो है एक व्यक्ति जो है लेकिन कोई एक व्यक्ति जो है वो बिल्कुल भगवान के श्री चरणों में स्थित है और वो जो बिल्कुल अपने चेतना में बिल्कुल शांत है और स्थित है जो अमूड है मूड मतलब क्या बेवकूफ व्यक्ति है अमूड यानी क्या जो थोड़ा समझा हुआ मतलब सुलझा हुआ व्यक्ति है जो जिसको मोह ने ग्रस्त नहीं किया हुआ है ठीक है ना तो ऐसा व्यक्ति जो है पदम अव्ययम जो है तो ऐसे व्यक्ति को जो है अपना शाश्वत गंतव्य जो है वो क्या होगा वो प्राप्त होगा शाश्वत गंतव्य हमारा क्या है आध्यात्मिक जगत ठीक है तो वो जो है देखो दो चीजें हैं इसमें एक है Uh, हमारा डेस्टिनेशन और एक है हमारा गोल ठीक है ना डेस्ट फॉर एग्जाम्पल मेरा डेस्टिनेशन है आध्यात्मिक जगत लेकिन मेरा गोल क्या है भगवान को प्रसन्न करना इन दो चीजों में हमें बहुत स्पष्ट रहना चाहिए कभी कभी किसी को लगता है तो गोल ऑफ माय लाइफ मेरे जीवन का लक्ष्य ही है भगवत धाम जाना तो ये नहीं होना चाहिए अगर मैं भगवान को प्रसन्न करती हूँ तो अपने आप ही मैं अपने गंतव्य तक पहुंच जाऊंगी उसके लिए मुझे अलग प्रयास नहीं करना पड़ेगा तो इसलिए जो है कभी कभी जो है कई लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं इस मामले में कि हमें अभी से ही स्पष्ट रहना चाहिए कि मुझे जो है मेरे जीवन का लक्ष्य है भगवान को प्रसन्न करना हर क्षण ऐसा नहीं कि आज किया कल नहीं किया या दो घंटे किया तीन घंटे नहीं किया इस तरह से नहीं है मेरा पल पल जीवन का लक्ष्य है भगवान को ही प्रसन्न करना अब कोई पूछ सकता है कि भगवान को कैसे प्रसन्न करना है तो आपने भी बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ है जब हम किसी की बात मानते हैं तो हम उस व्यक्ति को प्रसन्न करते हैं बचपन में अगर आपने अपनी माँ माँ के सब कही हुई बातें मानिए तो आप मां के बिल्कुल लाडले हो राइट है ना लेकिन अगर आप माँ से बगावत करते हो माँ का कहना नहीं मानते हो तो माँ की नजरों में फिर भी आप रहोगे उसके बच्चे ही लेकिन फेवरेट बच्चा नहीं रहोगे आप अगर आपके घर में दो चार भाई बहन है है ना तो आपको तुरंत पता चलता है कि माँ का स्नेह जो है उस व्यक्ति पे ज्यादा है जो उसकी बात कहना है तो इसी तरह जो है भगवत गीता में भगवान ने अपने उद्देश्य दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। अगर हम इस पे चलते हैं तो हम भगवान को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं और इसलिए आप देखिए प्राय हमारे जितने भी आचार्य गण है चाहे श्रीलभ भक्ति सिद्धांत ठाकुर हो चाहे जो है श्रीला प्रभुपाद हो वो हर कहते थे हर रोज व्यक्ति ने एक घंटा भगवदगीता पढ़ना जरूरी है बार बार वो जो है भगवान के आदेश जो है वो हमारे कान में बचते रहेंगे कि हम, और हमें जो है बिल्कुल क्लैरिटी देंगे कि ये सही है ये गलत है ये करना है ये नहीं करना है और इस तरह से जब हम भगवत गीता रोज पढ़ेंगे तो हमारे में एकदम एक, एक स्पष्ट क्लैरिटी आ जाएगी कि मुझे अभी आगे क्या करना है जीवन में और जो है ये सबसे सरल तरीका है भगवान को प्रसन्न करने का भगवान के आदेश का पालन करना गुरु के आदेशों का पालन करना ये सबसे सरल तरीका है भगवान को प्रसन्न करने का या गुरु को प्रसन्न करने का तो इसलिए जो है जो है आप देखिए प्रभुपाद के तात्पर्य में भी जो है कह रहे हैं कि क्योंकि देखिए ये जो पांचवा श्लोक है ये शरणागति का श्लोक है कि शरणागत होने का मार्ग क्या है तो शरणागत होने का पहला मार्ग यही है कि आ, मुझे जो है निर्माण होना है मुझे निर्माण का विरोध क्या है अहंकार मुझे मुझे अहंकार नहीं होना है इसलिए आप देखना तेरहवें अध्याय में भी जो है भगवान ने पहला जो क्वालिफिकेशन पहली जो मांग की हुई है अपने भक्तों से वो है विनम्रता अमानित्व है ना तो जो है निर्माण और अच्छा कोई पूछेगा कि निर्माण क्यों क्योंकि वो पहचानता है वो मतलब अपने आप को व्यक्ति जो है एक व्यक्ति जो है अपने आप को पहचानता है क्योंकि मैं भौतिक प्रकृति के द्वारा लथाड़ा गया हूँ मुझे यहाँ से भी लात मिल रही है और से भी लात मिल रही है, इसलिए ये जो भौतिक प्रकृति है ना मुझे एक्चुअली कटपुतली की तरह नचा रही है और मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ मैं वो कर सकता हूँ लेकिन मैं तो एक्चुअली ऐसा व्यक्ति हूँ कि मेरे में कोई पावर ही नहीं है मेरे में कोई शक्ति ही नहीं है और मैं जो हूँ यहाँ से वहां जो है जैसे एक एक पेड़ पे जो है एक पत्ता इधर से उधर लहरा रहा है या एक पत्ता जो है ये समुद्र की लहरे में जो है गोते खा रहा है तो वैसी भौतिक प्रकृति मुझे नचा रही है और इसलिए जो है मुझे जो है इन जो है जो है इससे परे जाना है इस भौतिक प्रकृति के जितने भी जो है प्रवाह है या जो है को क्या कहते हैं इंग्लिश में गति लहरे इन लहरों से क्योंकि मैं ये जो है समुद्र की लहरें की तरह ही ये भौतिक प्रकृति तो उस पत्ते को बेचारे लहरे को इधर से उधर उधर से इधर फेंक रहा है तो इसलिए जो है मुझे जो है इन लहरों से भी ऊपर जाना है भौतिक प्रकृति की लहरों से भी ऊपर जाना है और जो है जब मैं इन लहरों से ऊपर जाता हूँ तो क्या होता है तो मुझे जो है एक जो है एक क्या कहते हैं उसको एक ऐसा ऐसी जगह मिलती जिसको मैं पकड़ सकता हूँ और फिर इस भव सागर को पार कर सकता हूं और कौन सी चीज में पकड़ भगवान के चरण कमल पकड़ कर जो है मैं जो हूँ इस लहरों से जीत सकता हूं और मैं इस भव सागर को पार कर सकता हूं तो जैसे जो है भागवतम में एक्चुअली एक दृष्टांत दिया गया है कि जिस किसी व्यक्ति ने भगवान के चरणों को शरणागत हो गया है तो उसको ये भौतिक संसार जो है गाय के गोखर के समान लगेगा गाय का गोखर मतलब क्या फुटप्रिंट ऑफ ऑफ तो उसको लांगना कितना आसान हो जाएगा और एक भव सागर मतलब एक सागर को पार करना कितना मुश्किल हो जाएगा तो इस तरह से जो है हमें जो है बहुत ही मजबूत रहना है कि और ये है ना एक्चुअली स्वाभाविक ही हमें एडमिट करना है कि मैं एक्चुअली है ना मैं बहुत शक्तिशाली नहीं हूँ कई लोगों को है ना लगता है कि अरे शक्तिशाली बनना मतलब क्या कि हमें जो है हमारी कमियों को छुपाना हमें अपनी कमियों को बताना नहीं है लेकिन नहीं एक जो है जो एक पुत्र है ना वो पिता के सामने अपनी सारी कमियां बता सकता है वो कंप्लीटली कन्फेस कर सकता है कि मेरे में ये ये कमियां है भगवान और इन इन कमियों के साथ मैं आपको कैसे शरणागत हो सकता हूं तो इसलिए जो है हम जो है एक मास्क लगा के घूमते कि हाँ मैं बहुत शांत हूं लेकिन जब तक जो है हमने भगवान की शरण नहीं ली हुई है तब तक जो है हम उस मास्क के अंदर बहुत समय तक नहीं रह सकते हैं कई लोग है ना बोलते हैं ना दो, दो मुखी होते अंदर कुछ और बाहर कुछ और है ना और दो मुखी होने के कारण वो अंदर से बहुत दुखी रहते हैं लेकिन कोई एक व्यक्ति जो अंदर बाहर एक ही है तो बिल्कुल सुखी रहता है कि अंदर से कपट है और बाहर ईमानदारी का सौंग करते हैं अभी चल रहा है अपना सारा जो क्या कहते हैं इलेक्शन चल रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि कौन है वो व्यक्ति जो जीत रहा है जिसका अंदर बाहर एक है वो व्यक्ति जीत रहा है और कितने बहुमत से जीत रहा है क्योंकि उस व्यक्ति का उद्देश्य यही है कि मैं लोगों का भला करने के लिए आया हुआ हूँ उस व्यक्ति का उद्देश्य यही है कि मैं जो हूँ अपने देश को बिल्कुल ऊंचाई पे देखना चाहता हूँ आज तक ना भूतों ना भविष्य तक कोई भी कोई भी व्यक्ति इस तरह से नहीं आया हुआ है जिसने सिर्फ देश के बारे में सोचा है बाकी सभी ने अपने परिवार जनों के बारे में ही सोचा सॉरी एक्चुअली ये कोई पॉलिटिकल क्लास नहीं है लेकिन मैं उदाहरण दे रही हूँ एक्चुअली उनके माध्यम से कि हमारा मन जो है वो साफ होना चाहिए हम अंदर बाहर एक ही होने चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि हम मुंह फट्टू हो जाए मुंह फट्टू नहीं मतलब ये नहीं कि अरे तुम तो काले हो तुम तो गोरे होने चाहिए नहीं अगर मेरे मन में उस व्यक्ति के बारे में ये बोले ना कि ये धारणा है कुछ है ना कुछ परसेप्शन है तो मुझे अपने तक ही रखनी है क्योंकि तो भगवान ने उस उस व्यक्ति को उस तरह से बनाया हुआ है तो मुझे उस व्यक्ति की कमियों को देखने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि मैंने उस व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं ली हुई है मैं उसका कोई अथॉरिटी नहीं हूं मैं उसकी ना माँ हूँ ना पिता हूँ ना बीवी हूँ ना टीचर हूं ना कोई नहीं हूं मैं उस व्यक्ति की तो इसलिए जो है मुंह फट्टू नहीं होना है हमें कई लोग ना बड़े मुंह फट्टू होते हैं सीधे मुंह पे बोल देते हैं अगले वाले व्यक्ति को बड़ा ना, आ, थोड़ा बोलते है ना कि दुख होता है अरे ये व्यक्ति ऐसे कैसे बोल सकता है ये तो मेरी ना माँ है ना पिता है ना अः कोई मेरे से कनेक्टेड भी नहीं है तो कैसे लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब मतलब जो है उसका मतलब क्या है सीधे बोलना मतलब क्या कि सत्य को इस तरह से बोलना जिससे किसी के हृदय को ठेस न पहुंचे ये प्रभुपाद ने अः किस तात्पर्य में लिखा हुआ है सत्रहवे अध्याय के तात्पर्य में लिखा है जहाँ पे जिहा का बोलते हैं ना कंट्रोल करने के लिए जब कहा गया है तो उस तरह से कह कि सत्य इस तरह से बोलना है कि, कि किसी के हृदय को ठेस न पहुंचे और देखो किसी को जहर से मारना और किसी को गुड़ से मारना हम बोल बोलते हैं ना तो व्यक्ति को गुड़ से ही कर सकते हैं हम लोग ना अच्छी तरह से प्यार से हम लोग समझा सकते हैं तो इसलिए जो है जब ये जो मुखौटा गिर जाएगा है ना इस भौतिक जगत से तो फिर जो है हम एडमिट करेंगे कि हाँ मेरे में ये कमी है और ये कमी बहुत मुश्किल है निकालने के लिए और इसलिए जो है भक्त लोगों के पास एक बहुत अच्छा बोले ना कि कॉन्फिडेंस रहता है अपने आप में ही कि हम जो है भगवान के शरणागत है और हम भगवान पे निर्भरित है और हमने भगवान की शरण ली हुई है तो Uh, मैं जो हूँ भगवान के हाथ में एक कठपुतली रहने के लिए तैयार हूँ भगवान जैसे मुझे नचाएंगे मैं नाचने के लिए तैयार हूँ तो ये जो है ये पहला पहला क्या कहते हैं इसको चीज है यहाँ पे और जब तक अगर कोई सोचता है कि अरे मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है भगवान के बारे में तो क्या कहने जो है तो इसलिए जो है मुझे किसी की जरूरत नहीं है तो ये जो है इसलिए यहाँ पे जो पहला जो गुण है वो कह रहे हैं निर्माण तो विनम्रता तो इसलिए जो है विनम्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ पे जो मोह है मोह मतलब क्या अः मोह मतलब क्या ये मेरा है ये चीज मेरी है वो व्यक्ति मेरा है ये जो मैं मैं इस चीज का ये मैं इस चीज का मालिक हूँ ठीक है ना तो इसलिए ना ये मेरा 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 ना तो इसलिए फिर है ना इसको बहुत हम लोग आसक्त हो जाते हैं व्यक्ति से भी और वस्तु से भी और फिर कह रहे जितसंग दोष तो ये जो गुण है यही एक्चुअली ना द्वंद और मोह उत्पन्न करते हैं और जो हमें एक्चुअली जो है आ, बोलते ना कि अः फॉल्ट किसी को देखना है ना किसी के दोष दोषों में एक्चुअली जो है हमें बांधते हैं इस भौतिक संसार में लेकिन जब जितसंग दोष है तो किसी के पास अगर इन इन जो है संगों को एक्चुअली जीत लिया है तो फिर जो है वो मुक्त हो जाता है और आध्यात्म नित्य विनिवृत्त काम तो कह रहे हैं कि अगर कोई हमेशा आध्यात्मिक चेतना में रहेगा तो वो जो है काम वासनाओं से रहित रहेगा उसमें कोई काम वासना नहीं रहेगी और द्वंदेर विमुक्त सुख संग सबनेर तो वो जो है हमेशा द्वंद से मुक्त ही रहेगा द्वंद यानी क्या आ, कभी सुख कभी दुख कभी पैसा कभी नो पैसा कभी खुशी कभी गम तो ये द्वंद में रहता है तो वो व्यक्ति जो है सुख में भी स्थिर भावना से रहेगा और दुख में भी स्थिर उसको पता है कि सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख आता है है ना तो फिर वो उस चीज में उलझ नहीं जाएगा इसलिए जो है प्रभुपा जो है तात्पर्य में कहते हैं कि ज्ञान अर्जित करना है इस बारे में ज्ञान अर्जित करना है कि वास्तविकता क्या मेरा है क्या मेरा नहीं है क्या मेरी प्रॉपर्टी है क्या मेरी प्रॉपर्टी नहीं है तो हमारा क्या है हमारी एक ही चीज है इस भौतिक संसार में हमारा जो कनेक्शन जो है भगवान के साथ हमारा जो संबंध है हमारे भगवान के साथ वो ही हमारा है बाकी इस भौतिक संसार में हमारा कुछ भी नहीं है कुछ हम हमें भी पता है कुछ नहीं लेके आए कुछ लेके नहीं जाएंगे शरीर भी लेके नहीं जाएंगे पिछले भक्तिविद ठाकुर ने भी एक्चुअली एक वजन में कहा है कि आमी तो तोमार तुमी तो आमार की कारण अपराध ने तो कह दे कि कृष्णा मैं आपका हूं और आप मेरे हैं और मेरे पास आपके अलावा जो है कोई धन नहीं है यू आर माई बिगेस्ट वेल्थ ऐसे जो है श्रीलो भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं तो हमारे जो भगवान के साथ जो कनेक्शन है यही सबसे हमारी सबसे बड़ी पूंजी है कि हम भगवान के साथ कनेक्टेड है बाकी घर बार प्रॉपर्टी बंगला गाड़ी हमारा कुछ भी नहीं है और कह रहे हैं कि विनिवृत्त काम जो है इस भौतिक संसार के जितने भी काम से जो है क्या है हम विलग हो जाते हैं रिटायर हो जाते हैं हम लोग है ना और निवृत्ति मतलब क्या रिटायर होना और विनिवृत्त मतलब क्या टोटली तो रिटायर हो जाना रिट रिटायर होना मतलब क्या कि इस जगत से रिटायर होके वहां पे जाना और वापस नहीं आना उसका मतलब है रिटायरमेंट रिटायरमेंट मतलब ये नहीं कि सब काम धाम छोड़ के बस में एक जगह पे बैठ जाओ वो रिटायरमेंट नहीं है यहाँ पे मतलब क्या मुक्त तो हो जाना सारी आसक्तियों से मुक्त तो हो जाना फिर से किसी चीज में आसक्ति ना रखना और उस परम धाम को प्राप्त करना जहां से हम वापस हम लोग नहीं आते हैं तो इसलिए जो है वेदिक कल्चर में जो है ना कहते हैं कि आ, न, आ, देखो जैसे वेदिक कल्चर में ना एक्चुअली डिवोर्स का कोई एक्चुअली स्थान नहीं है लेकिन जो है अः किस चीज से डिवोर्स हमें लेना है ये जड़ पदार्थों से हमें डिवोर्स लेना है ये जड़ पदार्थ ही जो है हमें उलझाती रहती है और हमें जो है अलग करती है भगवान से तो अगर जो है शादी करनी ही है तो जो है हमें किससे शादी करनी है भगवान से शादी कर लेनी है बाकी सब चीजों से हमने डिवोर्स ले लेना है मतलब अलग हो जाना है इस तरह से जो है आचार्य गणों में भी जो है बताया हुआ है तो अगला जो है ये अगला वाला श्लोक बहुत ही प्यारा श्लोक है ये अगला वाला श्लोक क्या बताता है पता है ये बता रहा है कि ये जो आध्यात्मिक जगत में ये आध्यात्मिक जगत के क्या गुण है ठीक है हमें आध्यात्मिक जगत में पहुंचना है तो हमें उस लोक के बारे में पता होना चाहिए ना कि क्या है उस भौतिक जगत में वो कैसा दिखता है वहाँ के लोग कैसे होंगे मैं वहां पे जाऊंगा तो मेरा रोल क्या है वहां पे मुझे क्या करना है वहां पे आदत में जैसे मान लो अगर किसी को न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क जाना है तो पता तो होना चाहिए ना कि न्यूयॉर्क में क्या क्या और कैसे लोग बसते हैं घर कैसे है वहां पे लोग कैसे है खान पान कैसे है है ना रस्ते कैसे है वहां के तो ये सब जानेंगे हम लोग फिर न्यूयॉर्क जाएंगे उसी तरह गो लोग वृंदावन हमें अगर जाना है कृष्ण लोक हमें जाना है तो हमें जानना चाहिए कि उस लोक के गुण क्या है उस उस लोक की विशेषताएं क्या है तो भगवान कह रहे न तद भाष्यते सूर्यो न शशांक न पावक यद गत्वा न निवंतरम तो आगे कह रहे हैं वह मेरा परम धाम है परम धाम भगवान का अपना खुद का धाम है न तो सूर्य न चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है तो आप पूछो क्या अरे भाई सूर्य चंद्र नहीं है तो फिर वहां पे लाइट कहां से आ रही है भगवान से जो तेज निकल रहा है ना वही सूर्य और चंद्र है वहां पे और न अग्नि या बिजली से भाई वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है यहाँ पे हमारे पास अभी बावन डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग उबल रहे हैं और कई लोग तो पूड़िया भी तल रहे हैं उसके अंदर ही राजस्थान में तो वहां पे अग्नि भी नहीं बिजली भी नहीं है जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते हैं तो ये एक्चुअली थोड़ा ऐसा भी है थोड़ा जरा अः क्वेश्चन होंगे कि अरे वहां से हम लोग लौट कर नहीं तो हम लोग आए यहाँ पे कैसे प्रश्न यही होगा कि वहां से फिर से लौट कर नहीं आते तो मैं कोई बोलेगा हम भौतिक जगत हम आध्यात्मिक जगत से थे और हम आध्यात्मिक जगत में लौटना है हमें तो फिर भाई आए क्यों वहाँ पे अगर हम वहाँ पे थे तो हम यहाँ पे आए क्यों इसका उत्तर मैं थोड़ी देर में दूंगी आपको और जो है पहले हम लोग इसका जो है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की जरा चर्चा कर लेते हैं तो कह रहे हैं न सूर्य तो वो जो धाम है वो जो बोलते ना कि भगवान का विशेष धाम है आ, जो पहले भी श्लोकों में भगवान ने बताया हुआ है कि अः वो जो है अः वो धाम जो है आपको कब उस धाम की प्राप्ति होगी जब आप शरणागत हो और ये जो है ये जो धाम है यहाँ पे ना सूर्य का प्रकाश है मतलब ये धाम सूर्य से प्रकाशित नहीं है न शशांको न पावकों तो ये जो है ये चंद्रमा की लाली से भी नहीं प्रकाशित है और अग्नि से भी नहीं प्रकाशित है और फिर कह रहे यद गतवा अगर, अगर पे निर्वंतनते है तो यहाँ पे वापस नहीं आता है तो क्यों वापस नहीं आता है तो कह रहे तद धाम परम ममा वो क्योंकि मेरे जो है परम धाम की प्राप्ति करता है इसलिए वो वापस नहीं आता है तो देके जब कृष्णा ऐसे बता रहे या ऐसे बात कर रहे हैं तो वो जो है जब भौतिक जगत पे भी उनका एक्चुअली केंद्र है तो ये जो है वो अपने बारे में बात कर रहे हैं वो एक्चुअली है ना बोलते हैं ना कि इंग्लिश में इसको बोलते थर्ड पर्सन तीसरे व्यक्ति को दर्शाते हुए बात कर रहे हैं और इसलिए जो है जब हम जब भगवान जो है उनका केंद्र कर रहे हैं कि हमें जो है इस भौतिक जगत से भी ऊपर उठकर पहुंचना है उस आध्यात्मिक जगत में तो फिर वो कह रहे हैं कि तद धाम परमम मेरा फर्स्ट पर्सन में आ गए मैं मेरा है ना तो इसलिए जो है ये क्या दर्शाता है कि अह ये जो मेरा परम धाम है ये जो है ये भौतिक चीजों से जो है वो प्रकाशित नहीं है और जो है ये जो धाम है ये स्वयं प्रकाशित है और ये जो धाम है ये किसी और प्रकाश के ऊपर जो है निर्भर नहीं है जैसे ये जो भौतिक संसार ये किस पे निर्भर है सूर्य और चंद्र पे सूर्य नहीं है तो अंधेरा है हम अपने आप को भी नहीं देख सकते अंधेरे में तो आ, भगवान ये बता रहे कि वहां पे सूर्य की जरूरत नहीं है चंद्र की भी जरूरत नहीं है और ये जो धाम है ये जो धाम है ये इतना शक्तिशाली धाम है कि यहाँ पे कभी भी जो है अंधेरा नहीं रहता है क्योंकि जैसे 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 मान दो शरद पूर्णिमा वाले दिन जब चंद्र जो है आकाश में है तो वो जो है भगवान की जो क्या कहते हैं रास लीला है उसको और जो है मधुर बनाने के लिए है है ना शरद और यहाँ पे जो है प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है या पे अग्नि है तो कोई सोच सकता है कि प्रवपाद ने कहा पे बताया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी है तो ईशुभ निषद में अगर हम लोग ने पढ़ा हुआ है सर ये वाले बैच के साथ अभी तक ईशोपनिषद हुआ नहीं लेकिन ईशोपनिषद में आ, कहा गया है कि वहां पे कह रहे हैं कि मुंड मुंडक उपनिषद में एक्चुअली गया है कि जहां पे, आ, वहां पे एक शब्द आता है अः ग्यारहवे श्लोक में या दसवें श्लोक में जहां पे वो हिरण्य पात्रेना का एक्चुअली श्लोक कह रहे हैं कि विधुत जहां पे वहां पे एक्चुअली बताया गया है कि तो एक तरह से कुछ गलत नहीं कहा है शिला प्रभुपाद ने शिला प्रभुपाद ने ये बताने के लिए बताया हुआ है कि भाई वहां पे जो है वो धाम वो जो है आध्यात्मिक जगत है वो स्वयं प्रकाशित है और अः आप देखें ना इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है सोलर सोलर एनर्जी से ही आती है ठीक है ना और अगर सूर्य ही नहीं होता तो हम लोग कहाँ से ये इलेक्ट्रिसिटी की उत्पत्ति कर सकते थे तो इसलिए जो है पुरानों में जो है कुछ चीजें जो है ट्रांस अगर कुछ उसका बोलते ना कि उसका शब्दार्थ जो है या उसका कुछ ट्रांसलेशन हुआ है तो दो चीजों से की वजह से होता है कि भाई एक तो है कि आज के जमाने में वो कितना पर्याप्त है या कितना रेलिवेंट है और जो है अ, जो अभी के जितने भी लोग पढ़ रहे हैं उस ग्रंथ को तो क्या वो अपने जीवन से उसके साथ उसका अनुभव कर सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं उसको और फिर जो है अः देखो क्योंकि आज के जमाने में इलेक्ट्रिसिटी है अभी जब भगवान थे तो उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी वो लोग मशाल और लालटेन से अपना काम चला लेते थे द्वापर युग में लेकिन आज के जमाने में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है तो इसलिए जो है भगवान ये कहना चाहते हैं कि कोई बाह्य जो है अः बोलते हैं ना प्रकाश की जरूरत नहीं है बाह्य जैसे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं सूर्य की जरूरत नहीं है चंद्र की जरूरत नहीं है और इसलिए जो है अः ये बहुत ही विशेष लोग इसलिए कि न तत् भाष्यते सूर्यो तो सूर्य जो है हमें प्रकाश देता है जिसके माध्यम से हम हर एक रूप को देख सकते हैं हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एसी है यहाँ पे लाइट है यहाँ पे कबड़ है यहाँ पे सोफा है हम सब देख सकते हैं अपने स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और न तद भाषित सूर्य मतलब ये भी है कि यहाँ पे जो है कुछ चीजें हम अपनी आंखों से जो है वो नहीं देख सकते हैं या आ, हम अपनी आंखों से देख सकते कुछ चीजें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कुछ चीजें हम अपनी आंखों से नहीं देख भी सकते और समझ भी नहीं सकते हैं न शशांको न पावको तो देखिए ये जो चंद्र है शशांक जो है ना ये चंद्र है ना जो वो है मन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो चीज जो हम अपने मन से समझ नहीं सकते हैं या जो हम कंसीव नहीं कर सकते अपने मन से इसलिए न शशांकन पावक न पावक पावक मतलब क्या अग्नि 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 और बिजली तो ये जो है, ये जो है है भी किसके साथ जुड़ी हुई है अः जिहा से जुड़ी हुई है अपनी शब्द जो हम बोलते हैं उसको स्पीच बोलते हैं जो शब्द हम निकाल रहे हैं तो वो जो है वो धाम ऐसा धाम है जिसके माध्यम जिससे हम अपने शब्दों के माध्यम से भी उसका वर्णन नहीं कर सकते तो वो धाम ऐसा है जो आंखों से हम देख नहीं सकते हैं हम उसको महसूस नहीं कर सकते हैं शब्दों के द्वारा हम उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, तो ये धाम ऐसा है न पावकह और ऐसा जो है ये मेरा परम धाम है तो जहां से कोई व्यक्ति वहां पे जाता है तो वापस नहीं आ सकता है और इसलिए जो है एक भक्त ने जो है भक्ति के प्रति जो है बहुत आसक्ति दिखानी है क्योंकि अः श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो कहे कहा है कि जो है एक अवंती ब्राह्मण था तो अवंती ब्राह्मण कह रहा है कि मैं जो हूँ ये भव सागर को पार कर सकता हूँ अगर मैं जो हूँ भक्ति को पकड़ के रखता हूं तो भगवान के श्री चरणों को अगर मैं पकड़ के रखूंगा तो मैं बहुत सहजता से इस भव सागर को पार कर सकते तो जितना हम भगवान से आसक्त रहेंगे उतना ही हम जो है इस भौतिक जगत से मुक्त होते रहेंगे और हम जो है आध्यात्मिक जगत पे जगत में पहुंच जाएंगे जो हमारा असली गंतव्य है जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो क्या है आध्यात्मिक जगत में पहुंचना वो मेरा आ, फाइनल डेस्टिनेशन है अभी कई लोग बोलेंगे मेरा फाइनल डेस्टिनेशन अमेरिका जाना है यूरोप जाना है डॉक्टर बनना है कंपाउंडर बनना है मोची बनना है कुछ भी हो सकता है लेकिन हम भक्तों का फाइनल डेस्टिनेशन या गंतव्य यही होना चाहिए कि मुझे उस धाम में जाना है और अगर किसी को जाना है तो तैयारी भी वैसे करेगा ना किसी को न्यूयॉर्क जाना है तो वो तैयारी भी वैसे करेगा वीजा है पासपोर्ट है वहाँ के कपड़े कैसे होंगे फिर वहां के खान पान कैसा होगा तो कुछ लेके जाएगा तो उसी तरह हम लोगों को भी उस धाम में जाना है तो हमारे पास वीजा और पासपोर्ट होना चाहिए राइट पासपोर्ट हमारे लिए क्या है हरे कृष्ण महामंत्र है और वीजा कौन देने वाला है शिला प्रभुपाद हमें वीजा देने वाले हैं तो वीजा साइनिंग अथॉरिटी जो है वो कौन है शिला प्रभुपाद तो जो बोलते ना कि अगर हम जाते हैं तो वहां पे जो है एम्बेसिडर रहते हैं तो वह एम्बेसिडर किसी भी व्यक्ति को है ना चार प्रश्न पूछते हैं हम लोग ने आईडीसी में भी देखा हुआ है कि भाई तुम्हारे पास जो है तुम्हारे स्पिरिचुअल क्रेडिट्स कितने हैं तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है लुखे बुखे तो नहीं हो क्योंकि अगर वहां जाकर यूएस गवर्नमेंट को आपका ना खाने पीने का बोलते ना बोझा उठाना पड़ेगा तो फायदा ही क्या है यहाँ से यहाँ से उधर भेजने का तो वो बैंक बैलेंस देते हैं बैंक बैलेंस यानी मतलब हमारी भक्ति उन्मुखी सुखूती कितनी है फिर सेकंड क्वेश्चन ये पूछते हैं कि तुमने कोई कानून तो नहीं तोड़ा है है ना कोई अगर तुम्हारे पास कोई जेल केस तो नहीं है कोई खून खराबा तो नहीं किया है चोरी चपाटी तो तुम जेल तो नहीं जाके हो। और हमारे लिए वो मतलब क्या चार नियमों का पालन किया है माला की हुई है अच्छी तरह से किसी को आ, बोलते हैं ना फसाया वसाया तो नहीं है तीसरा पूछते हैं कि वहां जाने का उद्देश्य क्या है आपका वो सबसे इम्पोर्टेंट है वहां जाके आपको अगर भगवान की सेवा नहीं करनी है तो हमें आलसी लोगों की जरूरत नहीं है वहां पे आध्यात्मिक जगत में न्यूयॉर्क जाके अगर आप काम नहीं करने वाले और यू ही बैठे वाले तो सरकार पे बोझ है तो आलसी लोगों को जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की तो आध्यात्मिक जगत में भी आलसी लोगों की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम लोग बोलते है ना मुझे क्यों ये काम बताया गया है उसको भी तो आप वो काम बता सकते हो मैं ही क्यों हमेशा मिलता हूं आपको ये सेवा करने के लिए वो भी तो है वहां पे सेवा करने के लिए इसलिए जो है आलसी लोगों की आध्यात्मिक जगत में जरूरत नहीं है वहां पे जिसके पास एक सेवा करने की कूट कूट के वो भावना है ऐसे ही लोगों की वहां पे जरूरत है और चौथा प्रश्न यही पूछेंगे कि वहां पे जाके आप किन की सेवा करना चाहते हो तो जब हम कहेंगे कि हमें भगवान की सेवा करनी है ये नहीं कि हमारी इंद्रियों की सेवा करनी है हम खुद वहा इंद्र तृप्ति का कोई चांस ही नहीं है वहां पे यहाँ पे हम अपनी इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं और इंद्र तृप्ति कर रहे हैं लेकिन वहां पे सिर्फ ऋषिके न ऋषिकेश सेवया भक्तिर उच्चते वहां पर सिर्फ भगवान की इंद्रियों को संतुष्टि देनी है अगर आपके पास ये उद्देश्य नहीं है सॉरी आपका वीजा कैंसल्ड है आपको वीजा नहीं मिलेगा तो वो धाम में जाने के लिए अगर वीजा नहीं मिलता है तो प्रवेश भी नहीं मिलेगा हम लोगों को वहां पे, तो इसलिए जो है वो धाम जाने के लिए हमारे ये उद्देश्य बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि मेरा उद्देश्य जो है वहां जाने का यही है कि मुझे जो है भगवान की सेवा ही करनी है बाकी मुझे कुछ अच्छा कई लोग जो है ना उनका उद्देश्य गलत होता है इसलिए वो वहाँ पे पाते नहीं जैसे ज्ञानी है या जो जो कर्म कर्मकांडी है या अष्टांग योगी है तो वो लोग वहां पे नहीं पहुंच सकते हैं। जब तक उनका उद्देश्य ठीक नहीं करते हैं तो ये जो कर्मी है ज्ञानी है अष्टांग योगी हट्ट योगी है ये लोग जो है वो लोग जो है इस धाम को पहुंच नहीं पाते हैं ये इस में बता रहे हैं अब यहाँ पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो मुझे आ, हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम हाँ, प्रणाम प्रश्न है आपने अभी श्लोक में बताया ना निर्माण मोहाजित संग दोषा आध्यात्म वृत्ता कामा तो ये सब जो दोष चले जाते हैं तो हम अपने आप को कैसे नापे कि हमारे अंदर अभी कितने दोष गए हम कितने शुद्ध हुए या फिर अभी कितने बाकी है तो कैसे अपने आप को परखे फिर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा था पूछा है आपने और ये क्वेश्चन में एक्सपेक्ट कर ही रही थी कि कोई पूछेगा जैसे जैसे आपको पता चल जैसे मान लो हम कोई दवाई लेते हैं ना तो हम ठीक हो रहे हमें पता चल रहा है राइट तो हम और हृष्ट पृष्ट हो जाते हैं दवाई लेके अगर मैं अभी बीमार हूं और मैंने दवाई लेना तो मुझे पता चलता है कि मैं ठीक हो रही हूँ उसी तरह जैसे जैसे ये अनर्थ निकलते जाएंगे आपको खुद ही पता चलता जाएगा कि मेरे अनर्था निकलते जा रहे हैं क्योंकि आपकी आसक्ति जो है भगवान में और और ज्यादा जो है वो होती रहेगी भगवान के साथ जितना आप भगवान के साथ अटैच रहोगे उतना आपको पता चलता जाएगा कि मेरे अनर्था निकलते जा रहे हैं जितना आप भगवान के प्रति निष्ठा आपके पास भगवान के लिए अटैचमेंट है भगवान के लिए भाव है भगवान के लिए प्रेम है तो आपको समझने लगेगा कि ये सारे जितने भी जो है ये जो है ये निकलते जा रहे हैं आपको पता चल जाएगा जो दवाई खाता है वो स्वयं पता चलता है कि मेरी बीमारी ठीक हो रही है और मैं और आध्यात्मिक तौर पे सेहतमंद हो रहा हूँ जितना हम लोगों को भगवान में रुचि लगती रहेगी जितना हम अभी एक्चुअली ना भगवान में हमें रुचि इतनी नहीं है क्योंकि पहले चीज लोगों अभी आजकल लोगों का क्या हो गया ना लोग जो है जैसे ही उठते हैं ना तो उनको मोबाइल चाहिए डन 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 रील्स देखते जाएंगे ट्विटर देखते जाएंगे फेसबुक देखते जाएंगे ये सारी चीजें देखते जाएंगे मतलब कहा आसक्ति कहा है उस आ, मृत चीज में है लेकिन वहां पे कृष्णा है कृष्णा के लिए आकर्षण नहीं है भौतिक संसार में लोगों को जैसे ही लोगों को भगवान में आसक्ति हो जाएगी धीरे धीरे फिर हमारी सारी ये जो जितनी भी है ना आसक्तियां इस चीज के प्रति इस व्यक्ति के प्रति उसके प्रति इसके प्रति सब धीरे धीरे नष्ट होता जाएगा और हम वैरागी बन जाएंगे अब वैराग मतलब फाल्गु वैराग नहीं कई लोग बहुत फाल्गू मतलब नकली वैराग्य दिखाते हैं कि हाँ मतलब मैं चौसठ माला करता हूँ मैं वैरागी हो गया हूँ मुझे तो खिचड़ी खाना अच्छा लगता है मैं मैं तो नमक वाली खिचड़ी खाता वैरागी हो गया ना एक्चुअली अंदर से होना चाहिए वैराग बाहर से नहीं होता है वैराग मतलब क्या संन्यास ऑल्सो इसका डेफिनेशन यही है संन्यास का डेफिनेशन यही है कि कितना मुझे इंद्र तृप्ति करने के लिए मुझे चीजें प्रोत्साहित नहीं कर रही है हाउ मच मैंने sense gratification को त्यागा है वही सन्यास है वही तो मन से हम लोग सन्यास लेते हैं शरीर से हम लोग संन्यास नहीं लेते हैं और टू एड टू इट प्रभुपाद 18वें अध्याय में भी यही कह रहे हैं कि सन्यास मतलब क्या कि हम भौतिक जगत की चीजें लेते हैं और भगवान की सेवा में लगाते हैं अब देखिए ये शरीर भी जो है ये बिलोंग टू भगवान ये मेरा शरीर नहीं है ये शरीर जो है ये भगवान ने मुझे दिया हुआ है उन्हीं की सेवा करने के लिए अगर शरीर अच्छा रहेगा स्वस्थ रहेगा तो मैं सेवा कर पाऊंगी इसलिए हमें अच्छी तरह से प्रसाद लेना है बढ़िया तरीके से हम लोगों को प्रसाद लेना है और भगवान का नाम लेते रहना है लेकिन जो है कुछ चीजें गुपित रखनी है हमें कुछ चीजें सीक्रेट रखनी है जैसे Uh, मुझे याद है कि स्टार्टिंग में जब मैंने चौसठ माला शुरू किया था कुछ कुछ uh, ऐसे स्पेशल ओकेजन पे और मैं अगर बोलती थी कि मैंने ना चौसठ माला शुरू किया हुआ है किसी को बोलती कल ना मैंने चौसठ माला किया हम नए नए होते तो बहुत इनोसेंट रहते हैं अबोध रहते कुछ ना ज्ञान नहीं रहता है हमें लगता है कि हम अपने शिक्षा गुरु को बोलेंगे कि हम चौसठ माला कर रहे हैं तो बड़े खुश हो जाएंगे लेकिन होता क्या है कि हम स्पिरिचुअल कुछ भी करते हैं ना और हम किसी को बताते हैं तो वो अहंकार का प्रतीक है एंड देन वॉट है हमारा जो भी स्पिरिचुअल क्रेडिट हमें मिला है वो चौसठ माला करने के बाद वो सारा जीरो हो जाता है इसलिए हम कुछ भी आध्यात्मिक कर रहे हैं ना तो उसको गुपित रखना बहुत जरूरी है कुछ भी अच्छा कर रहे हैं हम लोग आध्यात्मिक जीवन में तो उसको ना गुपित रखना मतलब सीक्रेट रखना बहुत जरूरी है। किसी को नहीं बताना है कि कौन कर रहा है क्या नहीं क्योंकि भगवान को देखो अः जब गोपियां जो है वो रास मंडल में उनको थोड़ा अहंकार आ गया था कि देखो कृष्ण तो सिर्फ मेरे साथ ही डांस कर रहे हैं कृष्ण किसी और के हालांकि कृष्ण सबके साथ डांस कर रहे थे उन्होंने अपना विस्तार कितने सारे हजारों गोपियों के साथ वो अपना विस्तार किया हुआ था लेकिन हर गोपी को अहंकार आ गया कि कृष्ण मेरे साथ डांस करे उसके साथ नहीं डांस करे तो कृष्ण वहां से लुप्त हो जाते तो हमारे जीवन से भी कृष्ण लुप्त हो जाएंगे चले जाएंगे क्योंकि भगवान को अहंकार पसंद नहीं है और इसलिए जो है जब हम ये निर्मा मोह जित संग तो इसलिए जो है जब हम इन सब चीजों से रहित रहेंगे तब जाके जो है भगवान की कृपा आएगी जैसे हमारे जितने भी आचार्य गण हैं कभी आपने प्रभुपात को सुना है या गुरु महाराज को सुना हुआ है कि आज मैंने इतनी माला की मैं रोज इतनी माला करता हूँ प्रभुपात चौसठ माला करते रहेंगे या महाराज भी कितनी बार बहुत सारी मालाएं की हुई है महाराज तो डेफिनेटली ऑन अ डेली बेसिस जो है चौसठ से भी ज्यादा क्योंकि उनका पूरा एग्जिस्टेंस जो है वो सिर्फ कृष्ण के लिए जी रहे थे भगवान और प्रभुपात के लिए तो इस तरह से जो है धीरे धीरे जो है हम जो है विनम्रता पूर्वक हर चीज अगर करेंगे ना तो उसमें हमें यश भी मिलेगा और जहां पे हमें अहंकार हो जाएगा वहां पे जो है वो चीज है तो मेरे साथ ऐसे ही होता था कि इस एकादशी वाले दिन चौसठ माला के अगले एकादशी वाले दिन मुश्किल से पच्चीस माला करना भी मुश्किल हो जाता था तो ये एक मैंने बहुत बड़ा लेसन लिया अपने ही खुद के एग्जाम्पल से कि किसी को कोई अगर कोई हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा माला कर रहे हैं किसी दिन पे हमें किसी को बताना नहीं कोई भी आध्यात्मिक चीज चाहे माला हो चाहे दान कर रहे हो चाहे आप किसी का कुछ भला कर रहे हो कुछ भी है वो हमें किसी को हमें बताना नहीं है और उसका वो कहते हैं ना डिंडोरा नहीं पीटना है तो फिर जो है धीरे धीरे ये सारी चीजें जो है बड़ी आसानी से हमें जो है दूर होती नजर आएगी और हम द्वंदों से भी दूर होंगे और चाहे मेरी जिंदगी में सुख होगा तो भी मैं समभाव में रहूंगी दुख आएगा तो भी मुझे पता है ये दुख जो है ये टेम्पररी है ये दुख जो है वो चले जाना है और फाइनली जो है मुझे परम सुख की प्राप्ति डेफिनेटली होने वाली आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा करके देखो ये जो भौतिक जगत है ना ये हमारे लिए प्रैक्टिस ग्राउंड है ये प्रैक्टिस ग्राउंड है कि हम फाइनल मैच जब वहां जब के जाके खेलेंगे तो हम कैसा खेलने वाले हैं तो यहां पे अगर हम लोग ने पर्याप्त मात्रा में भगवान के नाम का लेने का प्रैक्टिस नहीं किया है तो भगवान की चेतना में हम कैसे रहेंगे क्योंकि वहां पे ब्रजवासी हर वक्त हर शन, हर सेकेंड जो है सिर्फ भगवान के बारे में ही सोच रहे अपने बारे में सोच ही नहीं रहे कार्य कर रहे हैं लेकिन उस कार्य में भी सोच रहे कि भगवान अगर ऐसे होता तो कैसे होता भगवान यहाँ पे होता तो कैसे होता भगवान अभी यहाँ पे होते तो मैं ये करती भगवान वो करती ये यशोदा माई का ही एग्जाम्पल ले लो आप पूरा टाइम वो कुछ भी एक्टिविटी कर रही वो भगवान का ही नाम लेते जा रही है भगवान के ही बारे में सोच रही भगवान के गुणों के बारे में सोच रही भगवान की लीलाओं के बारे में सोच रही भगवान का नाम लेते लेते भगवान की लीलाओं के बारे में सोच रही भगवान के गुणों के बारे में सोच रही है तो इस तरह से ये वाली चेतना जो है ये हमें यहाँ पे विकसित करनी है तब हम पूर्णतया शरणागत होंगे भगवान तो को किसी का और कोई प्रश्न है जी माता जी एक और क्वेश्चन है मेरा आपने जो प्रथम श्लोक बोला था ना ऊर्ध मूलम वधम शाखम अश्वत्थम राहु रव्ययम तो जो आध्यात्मिक जगत है जिसे हम गोलोक धाम कहते हैं या काके धाम या वैकुंठ धाम तो जो ये भौतिक जगत है ये उसी का ही प्रतिबिंब है यानी कि जो कुछ भी यहाँ पर है वो सब वहां पर है उसी का प्रतिबिंब यही है सेम होता है दोनों में सेम ही होता है क्या सब देखो प्रतिबिंब मतलब क्या कि ऑपोजिट रिफ्लेक्शन है जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि वहां पे प्रेम है तो यहाँ पे काम है वहाँ पे विनम्रता है तो यहाँ पे जो है वो अहंकार है और यहाँ पे मिथ्या अहंकार है वहां पे अहंकार क्या है वहां पे ट्रू ईगो है यहाँ पे फॉल्स ईगो है वहां पे ट्रू ईगो क्या है कि मैं भगवान का दास हूं और यहाँ पे फॉल्स ईगो क्या है मैं महान व्यक्ति हूँ मैं तो सब सुंदर सबसे सुंदर व्यक्ति हूँ मैं सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ मैं ये हूँ मैं वो यहाँ पे सिर्फ मैं 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 है। और वहां पे क्या है सिर्फ कृष्ण 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 कृष्णा है दैट इज द डिफरेंस इट इज इट इज एन ऑपोजिट रिफ्लेक्शन ऑफ दी सो वेन मी से ऑपोजिट रिफ्लेक्शन ऑफ दटीरियल वर्ल्ड विपरीत रिफ्लेक्शन है आध्यात्मिक जगत का यह भौतिक जगत इस तरह से जो है वो कंप्लीटली ऑपोजिट है विपरीत है सारी चीजें यहाँ पे विपरीत है यहाँ पे हम अपनी इंद्रियों को सुख देना चाहते हैं वहां पर ब्रजवासी भगवान की इंद्रियों को सुख देना चाहते हैं यहाँ पे हम इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं है, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं वहां पे ब्रजवासी जो है सिर्फ भगवान के इंद्रियों को सुख देना चाहते हैं दैट इज वाइट इज कॉल्ड ऑपोजिट उर्द्वमूलम कंप्लीटली अपसाइड डाउन कहते हैं उसको माता जी इसमें हमारा जीवात्मा का कहां पर स्थान है इस उर्दमूल वृक्ष में हाँ मैंने बताया ना पक्षी पक्षी के रूप में हम है हम लोग आते हैं दाना चुकते हैं और चले जाते हैं और फिर नया नया जन्म लेते हैं नया पक्षी बनते हैं आते हैं दाना चुकते हैं और चले जाते हैं तो फिर इसको खत्म करना है हम लोगों को इस चक्रव्यूह को खत्म करना है तो फिर कहाँ जाना है हमें ओरिजिनल ट्री की तरफ जाना है हम लोगों को इस तरह से इसकी जड़े माता जी क्या बताएगा जड़े जड़े वहां पर सात सात जगत में इसकी जड़े है ना बेसिकली तो जो जड़ है जड़ों का पोषण क्या से नहीं मिल रहा है ना पोषण तो तीन गुणों से मिल तो रहा है यहाँ पे जड़ों को पोषण कहाँ से मिल रहा है तीन गुणों से मिल रहा है लेकिन वहाँ पे जड़ों को पोषण से मिल रहा है सब लोग जो है वो सिर्फ शुद्ध सत्व लेवल पर ही है वहां पे सब लोगों को भगवान को प्रसन्न करना है वो एक्चुअली उनकी जड़े है भगवान को प्रेम कर करके कर आर नरिशिंग दम उनको पोषण कहाँ से मिल रहा है उनको नई ऊर्जा कहाँ से मिल रही है भगवान की सेवा करते ही उनको नई ऊर्जा मिल रही है वहां पे हमा, हमारे पास पे क्या है तीन गुण है और यहाँ पे तीन गुण हमें क्या कर रहे हैं बांध रहे हैं बार 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 इसलिए हम छुटका हमारा नरिशमेंट मिल रहा है और इसलिए हम उलझ रहे हैं वहां पे वो लोग मुक्त है भगवान भगवान को शरणागत होके भगवान की चेतना में रह के भगवान की सेवा करके वो लोग वहां पे मुक्त है और यहाँ पे हम तीन गुणों के अंदर तीन गुणों को और पोषण देते जा रहे हैं रजोगुण को सतो गुण को तमो गुण को और देते जा रहे हैं हम लोग पोषण इच्छाओं का इसलिए फिर हम लोग लिप्त रहते वी बिकम एंटैंग अगेन एंड अगेन ओवर इस तरह से पोषण चीजों को बार बार करके पोषण दे रहे हैं हम खाना पीना सोना इंद्र तृप्ति कर रहे हैं हम लोग तो पोषण दे रहे हैं तीन गुणों को बट इस चक्रव्यूह से अगर कटना है तो भगवान के शरणागत होना भगवान का नाम लेना है और जैसे कह रहे हैं ना कि निवृत्ते गुण संगत निवृत्त हो जाना है विनिवर्त काम हो तो ये जो काम वासना से है हमें क्या करना है अः बोलते हैं ना कि दूर हो जाना है इस काम वासना से और जो है कह रहे है कि ये जो क्या कह रहे कि इसमें जो है व्हाट इज डेट वर्ड कॉल्ड हम्म वी हैव टू सर वी हैव हमें भगवान के शरणागत होना है अगर हमें इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है तो वी आर बिंग टॉस्ट इन द वेव्स ऑफ ओशन है ना तो फिर जो है जब भगवान की शरणागत लेंगे तो हम जो है वो बाहर निकल सकते हैं किसी को और प्रश्न है हमने ये नहीं बताया कि हम यहाँ पर आ कैसे गए हमने तब वापस जाना है तो मतलब आए कैसे हुआ का आपको तो है आप लोगों बता दू तो ओके हम लोग यहाँ पे आए कैसे तो भगवान की जो है वो तीन शक्तियां है एक अंतरंगा शक्ति एक बहिरंगा शक्ति और एक तटस्थ शक्ति है तटस्थ शक्ति मतलब क्या मार्जिनल एनर्जी तट जिसको बोलते हैं तट यानी क्या बॉर्डर लाइन जिसको बोलते हैं ना कि या तो यहां पे जाएंगे या तो इस पार जाएंगे या तो उस पार जाएंगे राइट कभी कभी हमने देखा हुआ है कि बॉर्डर के इस पार या उस पार तो कभी जैसे और तीन प्रकार के जीवात्माएं भी होते हैं एक है नित्य बद्ध एक है नित्य सिद्ध और एक है कृपा सिद्ध नित्य नित्य बद्ध मतलब कंडीशन सोल्स नित्य मतलब शाश्वत काल से बंधे हुए हैं नित्य सिद्ध मतलब क्या भगवान के जो नित्य लिबरेटेड सोल्स जो है नित्य मुक्त व्यक्ति जो आत्माएं है जो भगवान के धाम में जो ब्रजवासी है जो गोपियां है जो मंजरिया है जो सखिया है वो सब और ग्वाल जो सखाए जितने भी है तो ये जो है नित्य सिद्ध है और अब एक तो नित्य बद्ध है जो हम लोग है वो नित्य बद्ध है और एक है कृपा सिद्ध तो कृपा सिद्ध व्यक्ति जो है जिसको अहेतु की कृपा मिली हुई भगवान से तो ये कृपा सिद्ध जो है ये कन्वर्ट हो जाता है नित्य सिद्ध में आध्यात्मिक जगत में लेकिन ये कृपा सिद्ध कौन व्यक्ति है ये कृपा सिद्ध वो व्यक्ति है जो नित्य बद्ध है और गुरु की कृपा से भगवान की कृपा से वैष्णव की कृपा से कृपा सिद्ध बन जाता है उसको जो है नित्य सिद्धों की अहेतु की कृपा मिल जाती है कॉजलेस मर्सी मिल जाती है तो ये नित्य बद्ध कृपा सिद्ध बन जाता है तो ये जो जीव जो है ये तटस्थ शक्ति से आया हुआ है क्योंकि देखो अंतरंगा शक्ति में भी बहुत सारे जीव रह रहे बहिरंगा शक्ति में भी बहुत सी जीव है तटस्थ मार्जिनल पे भी बहुत जेते तो ये जो जीव है उसके पास चॉइस था कि तू भाई भगवान की सेवा कर ले या तू अपनी इंद्रियों की सेवा कर ले तो ही चोज इंद्र तृप्ति और इसलिए जो है ये आ गया बहिरंगा शक्ति के ग्राउंड पे अंतरंगा शक्ति में तो सारे नित्य सिद्ध ही है तो इसलिए जो है ये उसके पास चॉइस था इधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाओ इधर जाओ, जाओ, जाओ तो ही चोज एक्चुअली एक्सटर्नल एनर्जी बहिरंग शक्ति तो फिर वो इस भौतिक संसार में यहाँ पे गिर पड़ा लेकिन भगवान ने जो है ऐसी व्यवस्था की हुई है कि ये नित्य बद भी एक दिन नित्य सिद्ध या कृपा सिद्ध हो सकता है किसके द्वारा किसके माध्यम से अपने शुद्ध भक्तों के माध्यम से शिला प्रभुपाद है हमारे करंट गुरुज है शिला भक्ति ठाकुर है या गोस्वामीज है इनकी अगर कृपा मिल जाती है तो ये नित्य बद्ध व्यक्ति कृपा सिद्ध बन सकता है और अगर कृपा सिद्ध बन गया तो वो नित्य सिद्ध भी आसानी से बन सकता है लेकिन उसके लिए एक नित्य सिद्ध की जो है अनुकंपा की बहुत जरूरत है अब आप बोलोगे माता जी शिल रूप गोस्वामी तो अभी नहीं है हमारे पूर्वती आचार्य भी नहीं है प्रभुपाद भी नहीं है लेकिन आप अगर देखोगे प्रभुपाद की जीवन काल में अगर आप देखोगे तो उन्होंने जो है श्रीलोक भक्ति सिद्धांत ठाकुर के जो आदेश है उसका पालन किया हुआ था राइट और आप ये भी देख रहे हो कि प्रभुपाद जब भागवतम की टिकाएं लिख रहे थे तात्पर्य लिख रहे थे तो उनको रूप गोस्वामी आके उनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं शिल रूप गोस्वामी जो नित्य सिद्ध है वो आके जो है वो वार्तालाप कर रहे हैं और उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं। और उनको आ, क्या दे रहे हैं गिविंग एम्पावरमेंट वो शक्ति दे रहे हैं जिसके माध्यम से वो ग्रंथ लिख सके लेकिन उसके लिए प्रभुपाद ने क्या किया था शिल रूप गोस्वामी को भीख मांगा था विनम्र भाव से याचना की हुई थी और जब बहुत बार याचना करने के बाद श्री रूप गोस्वामी आते हैं तो हमारे जो है पूर्वती आचार्य को हमें सहजता से नहीं लेना है कि अरे अब तो वो चलेगा अब क्या है लेकिन वो अप्रकट हुए है हमारी भौतिक मैंने बताया ना हमारी भौतिक इंद्रियों से हम उनको देख नहीं सकते हैं जैसे अगर शादी ब्याह किसी की होती है ना तो अगर वेदिक पद्धति से हो रही है ना तो आप देखना उस दव, उस पत्ती को जो है मंत्रों के आह्वान से सारी परंपरा के गुरु और सारे जितने भी ब्रजवासी हैं गोपियां हैं सखिया हैं मंजरिया हैं वो सारे आते हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए राइट right फ्रॉम हमारे जो अभिकरण गुरु है जो जीवित गुरु है टू प्रभुपाद टू भक्ति सिन्हा ठाकुर टू रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जितने भी मंत्र हम लोग आह्वान करते वो सब आते और मौजूद रहते हैं वहां पे उस नव तो उसी तरह जब हम हम प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र उच्चारण करते हैं जब हमारे गुरु का प्रणाम मंत्र उच्चारण करते वो वास्तव में आकर हमारे सामने प्रकट होते लेकिन मेरी इंद्र मेरी जो आंखें ये भौतिक आंखें हैं इसलिए मैं उनको देख नहीं पाती हूँ इसलिए मैं उनको परसीव नहीं कर पाती हूँ लेकिन जैसे ही मैंने प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोले प्रभुपाद सामने आके खड़े हो जाते हैं तो इसलिए जो है हमें जो है ये जो जीव है उसके पास एक्चुअली एक चॉइस है कि मुझे कहा जाना है और ऐसे महान महान आचार्यों के आशीष लेकर ही जो है एक नित्य बद्ध जो है व्यक्ति वो नित्य सिद्ध बन सकता है कृपा सिद्ध बन सकता है वो और इसलिए जो है हमें ये जो जितने भी प्रणाम मंत्र है ना हमें सहजता में नहीं लेने हैं या जितने भी हमारे आचार्यों को भी सहजता में नहीं लेना बहुत इजीली नहीं लेना है वो रियली हमारे साथ मौजूद है और इसलिए प्रभुपन कहते हैं ना हैव टू बी रूपानुगास अनुग अनुकरण मतलब हमें उनके पद चिन्हों पे चलना है हमें उनको इमिटेट नहीं करना है या कॉपी नहीं करना है जैसे कल मैं एक्चुअली एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि टू टू टेक टू इमिटेट और टू टेक इंस्पिरेशन तो हम जो है इमिटेट करने में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी तीन दिन के बाद सिर्फ थ्री ड्रॉप्स ऑफ बटर के आज हम वो कर सकते हैं मेरी इंद्रिया जो है वो उतनी परिपक्व नहीं हुई है मेच्योर नहीं हुई है कि मैं सिर्फ तीन बूंद जो है छाछ के लेकर मैं जी सकती हूँ लेकिन इंद्रियों को ट्रेन किया जा सकता है जैसे जैसे हम इंद्रियों को ट्रेनिंग देंगे वैसे वैसे वो तप करने के लिए तैयार हो जाएगी और उसके लिए हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं जैसे ये है देखो आप जब कृष्ण गंजन में आए थे तो पहले आपने किससे माला की शुरू की आपने मन को क्या बोला दो माला करनी है भाई मुझे फिर तो धीरे धीरे आपने मन को इंस्ट्रक्शन दिया चार माला फिर धीरे धीरे और अच्छा इसके अंदर हमारे जितने भक्त हैं उनके भी आशीर्वाद आ रहे हैं शिक्षा गुरु से आशीर्वाद आ रहे जीवित गुरु से भी आशीर्वाद आ रहे हैं प्रभुपात से भी आशीर्वाद आ रहे कि इसकी इच्छा है कि और चार माला करनी है तो इस तरह से मैंने अपने इंद्रियों को ट्रेन कर रही हूँ कि कैसे कैसे धीरे धीरे जो है मुझे जो है भगवान की और, और और आगे बढ़ना है तो मैं मेरी इंद्रियों को क्या कर रही हूँ मैं मेरी इंद्रियों को अग्नि दे रही हूं मैं तपा रही हूँ मेरी इंद्रियों को जब मैं तपस्या कर रही हूँ जब मैं सुबह चार बजे उठ रही तो मैं मेरी इंद्रियों को जो है मैं वो क्या कर रही हूँ और प्योरिफाई कर रही हूँ जब मैं चौसठ माला कर रही तो मेरी इंद्रियों को और मैं तपा रही हूँ और देखो कोई भी सोना है तो सोना जो है वो तपके ही खरा बनता है बिना तपते हुए वो सोना खरा नहीं होता क्योंकि उस सोने के अंदर जब वो खान में से निकालते तो कितनी सारी गंदगी होती है कहीं पे एलुमिनियम है कोई तांबा है कोई पीतल है कितनी सारी चीजें वो नीचे गिर जाती उसी तरह हमारे में भी कितने सारे अनर्थ है काम क्रोध मध मोह लोभ मत्सर तो जैसे जैसे मैं अपनी इंद्रियों को तपाती हूँ तपस्या करती हूँ तो मेरे में से काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर वो गिरते जाता है और मेरा हृदय जो है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाता है मेरा हृदय जो है वो बड़ा परिपक्वा अवस्था में पहुंच जाता है जिसके माध्यम से जो है मैं भगवान को समझ सकती हूँ भगवान की सेवा कर सकती हूँ और मैं इस भौतिक संसार से कैसे डील करना है वो मैं समझ सकती हूँ इसलिए इंद्रियों को तपाना बहुत जरूरी है अः अः बोलते ना कि रूल्स एंड रेगुलेशंस में उसको डाल के उसको तपाना बहुत जरूरी है ताकि हमारे अनर्थ निकल जाए और जब ये अनर्थ निकल जाएंगे तो मेरी ये जो भौतिक आंखें है वो आध्यात्मिक आंखें बन जाएगी तब मैं देख पाऊंगी की प्रेमांजना चरित भक्ति विलोचने न संत सदैव देश तो मेरे आंख में अब प्रेम का अंजन हो जाएगा अभी तो काम का अंजन है इसलिए मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए हो रहा है लेकिन जब प्रेम का अंजन भगवान के प्रति हो जाएगा तो मैं देख पाऊंगी कि संत सदैव हृदय विलोक यंती, यम श्याम सुंदर यम श्याम सुंदर गुणस्य स्वरूप रूपम मैं गोविंद को देख पाऊंगी उस साधु के हृदय में जो साधु अपने हृदय में गोविंद को लेके घूम रहे हैं तो वही गोविंद मेरे भी हृदय में विराजमान हो जाएंगे तो इस तरह से जो है जब जब हम उस धाम तक पहुंचने के लिए जो है हम अपनी इंद्रियों को तपाते हैं और हम जब तपस्या करते हैं तो हम शुद्ध हो जाएंगे और हम जो है इन आचार्यों का संग लेके जो हम नित्य बद्ध है वो कृपा सिद्ध हो जाएंगे उनकी कृपा मिलेगी हमें और कृपा सिद्ध होकर हम नित्य सिद्ध की तरफ हम लोग पूछ करेंगे वहां पे

कि हम उस धाम से हमें वापस जाना है लेकिन एक्चुअली हमारा जो डेस्टिनेशन है वो वो हमारा पहले हमारा डेस्टिनेशन क्या था मार्जिनल एनर्जी था तट था हमारा लेकिन अब हमारे पास चॉइस है ऊपर जाओ या नीचे ही रहो या और नीचे चले जाओ तो नाउ वी विल चूज टू गो टू भगवत धाम हमारा अभी डेस्टिनेशन होगा टू गो टू भगवत धाम क्योंकि वहां भी हमें जो है सुख शांति और आनंद की अनुभूति होगी बाकी हर जगह पे क्लेशी क्लेश है तीन प्रकार के क्लेश है सात प्रकार के सॉरी क्लेश है हमारे पास तो हर जगह क्लेश है वही वहां पे ही ये सब चीजें नहीं है तो आगे के है ना एक्चुअली श्लोकों में है ना ये बताएंगे कि कैसे जीव जो है एक योनी से दूसरी योनी मूव करता है और कैसे जो है हम अपनी पोजीशन और कृष्णा की पोजीशन क्या है उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं लेकिन ओरिजिनली हम लोग तट से ही आए हुए अच्छा जी इसमें अंतरांग बहरांग और तटस्थ तटस्थी शक्ति, शक्ति तो पोटेंसी हो गया उनका है ना और को क्या क्या हम प्रकृति समझ सकते हैं बहरांगेक्ट करेक्ट 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 बहिरंग शक्ति रेड प्रभु जी आपकी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है तो इसमें ये टर, टर शक्ति पहली बार मुझे समझ में आया सुनने को मिला पहले में दो ही चीजें पड़ी थी परा और अपरा और ये तीसरी तटस्थ शक्ति पहली बार मैंने सुना है तटस्थ तटस्थ शक्ति शक्ति के बारे, तरस्टी बारे, तरस्टी बारे, तरस्टी बारे, बारे, बारे में तो शक्ति मतलब एक्चुअली पे क्या है ना जीवात्मा सिर्फ इंद्र तृप्ति करती रही है वहां पे और वहां पे चॉइस दिया गया था उनको कि आप या तो ऊपर चले जाओ या नीचे चले जाओ एंड दैट तटस्थ शक्ति एक्चुअली जहां पे वो लोग रहते हैं जहां पे मींस हम लोग जहां से आए हुए हैं तो वी वर गिवन अ चॉइस सी हम सब भगवान के ही बच्चे हैं हम भगवान से ही आए हुए हैं बट बिकॉज वी चोज टू स्टे इंडिपेंडेंटली फ्रॉम कृष्णा हम भगवान से बोलते ना कि स्वतंत्र होकर जीना चाहते थे इसलिए जो है हमें वहां पे वो तटस्थ पे भी भेजा गया था अब चॉइस दिया गया कि तुम आ जाओ आध्यात्मिक जगत में या भौतिक जगत में चले जाओ तो हमने एक्चुअली फिर से भौतिक जगत की चॉइस की हुई थी उस टाइम पे इसलिए फिर हम इधर आ गए हैं लेकिन भगवान इतने दयालु कृपालु है कि यहाँ पे आने के बाद भी अगर बाय मिस्टेक आपने यू फॉल डाउन ऑल्सो तो भगवान फिर से हमें एक मौका दे रहे हैं अंतरंग शक्ति की तरफ जाने के लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के लिए एक और मौका दे रहे हैं प्रोवाइडेड यू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ गॉड भगवान के निर्देशानुसार अगर आप ये सब कुछ फॉलो कर रहे हैं तो बड़े आसानी से हम भगवत धाम जा सकते हैं इस तरह से और देखिए प्रभुपाद ने भी हमें आश्वासन दिया हुआ है राइट प्रभुपाद ने भी हमें कहा है कि जो कोई भी व्यक्ति जो है चार नियमों का पालन कर रहा है और सोला माला कर रहा है और प्रचार कर रहा है और किताब वितरण कर रहा है मैं खुद आऊंगा उस व्यक्ति को लेने के लिए आई विल गुरु महाराज मेरे गुरु महाराज के पास आगे के दरवाजे की चाबी है लेकिन मेरे पास भगवत धाम के पीछे के दरवाजे की चाबी है तो ये चीज पे है ना हमें भरोसा होना चाहिए कि अगर हमने ये चार चीजें अपने जीवन में की हुई है तो उस डेफिनेटली प्रभुपात आएंगे हमें लेने के लिए और उन्हीं के पास वो क्षमता है हमको यहाँ से उठा के वहां ले जाने के लिए आपने बोला कि जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं तो वो साक्षात आ जाते तो इसको हम किसी से सेंस कर सकते हैं क्या कि गुरु महाराज आ गए या फिर देवता भगवान आ गए मंत्रोच्चारण ना मतलब गुरु महाराज आ गए मतलब क्या सब्चारण करते हैं Uh, तो आप साथ, वो आ जाते हैं आप हमारे पास आसपास आ जाते हैं ना तो वो हम कैसे सेंस कर सकते हैं कि हाँ आ, इंडिकेशन वगैरह होता है, हाँ है? इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी तब हमें एहसास होगा कि महाराज और जो है प्रभुपाद मेरे सामने आए हुए है अभी इंद्रिया शुद्ध नहीं हुई है इसलिए जो है हमें हमें दिखाई नहीं देता है या हमें एहसास भी नहीं होता है आभास भी नहीं होता है कि ये दोनों खड़े हैं या ये पूरी परंपरा मेरे सामने खड़ी हुई है लेकिन जैसे-जैसे ये भौतिक इंद्रिय शुद्ध होती जाएगी तो उसी तरह धीरे-धीरे आप महसूस खुद ही करना शुरू कर दोगे कि देखो मेरे गुरु महाराज आए हुए हैं और मेरे जो है क्या कहते हैं प्रभुपाद आए हुए हैं मेरे सामने इस तरह से ठीक हो गया थैंक यू किसी का और कोई प्रश्न है आत्म, आत्मदर्शनी माता जी कुछ प्रश्न है माता माता जी जी ये अभी आपने बोला कि हम मार्जिनल पे थे तो एक और मतलब हमने ये सुना है ना कि हर जीव की भगवान के भगवत हमें एक वैकेंट मतलब एक यूनिक पोजीशन है और वो वैकेंट है मतलब यहाँ पे ऐसा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं है हमारा जो जगह है वो वैकेंट है हम जाएंगे तो हम ही जाके उसको वापस फुलफिल करेंगे तो फिर माता जी ये दोनों चीजें कैसे समझे ना एक्चुअली जब हम कहते हैं ना फॉर एग्जाम्पल कोई, like, like, कोई बहुत अच्छा कुकिंग कर रहा है तो मैं उसको बोलती थी या कोई अच्छा केक्स बना रहा है या कोई अच्छा गा रहा है तो मैं बोली हे तुम्हारी वो जगह खाली है ना अभी भी वहां पे वो वेकेंसी किसी ने अभी तक ली नहीं हुई क्योंकि इवन अगर हम गोप कुमार का भी प्रसंग अगर हम पढ़ते हैं ना वृद्ध भागवतामृत में तो गोप कुमार की भी जगह वो वेकंट ही थी ऐसा नहीं था कि गोप कुमार की जगह किसी और गो, गोपा ने ले लिया था या कोई नया गोप प्रोड्यूस हो गया था लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमारी जो जगह है वो स्थित है एक सेकेंड अब हाँ, हाँ हरे कृष्णा माता जी मैं एक्चुअली आपका इस प्रश्न का उत्तर नेक्स्ट क्लास में दे सकती हूँ क्योंकि बहुत अर्जेंटली मुझे एक्चुअली मंदिर भागना पड़ेगा एक्चुअली अभी तो मैं okay. बहुत सॉरी हूँ बहुत मुझे दस मिनट में साड़ी पहन के थर्ड से मुझे पहुँचना है एक्चुअली मंदिर मैं क्षमा चाहूंगी लेकिन या इस, इस प्रश्न का उत्तर मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर दूंगी ठीक है आपको